गुलड़ा चढ़न था जडे सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबह जान मारंग ढाढ़ा वणन था सुबह जान मारंग ढाढ़ा वणन था सुबह जान मारंग ढाढ़ा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी नेशनल पीटीवी के दिसण वारा आन उनन सबनी के साहिर अली खान जो सिक भरो सलाम कबूल हुजे जी त तां के खबर आ वही रूटीन वही डायलॉग त अस नए टॉपिक छ गट तां वट हाजिर हुना तो वाकई यो सच आ अस नए टॉपिक खई हुना आज पे सा डाडो जबरदस्त टॉपिक आ त दुआ है एक एड़ी शै दुआ एक अड़ी शे जिनजा असरात एडा तो जिंदगी ते असर कंदा आन जे अगर उ न हो तो शायद अस जिंदगी जो कारवान भी रहे कें चवंदा आन जे अगर तक कामयाब थो तो दुआ घुरो कंखा घुरो एक अजीब अजीब छा बल्कि खास सवाल वो यो तो हमेशा पैं माइट माँ पी पेरन में वही करे उनन का दुआ घुरो तामा बाबा असा के दुआ कयो उनन के हसरत भरी खूब प्यार जी निगाह सा दिसो तो उनन जो दिल तां के दिसी ठरे तही मखे जो को दिसे पियो केडी मोहब्बत केडी प्यार सा पियो दिसे हनी कामयाब थे चवंदा हन एड़ा कम कयो जो तां कामयाब थियो दुआऊं वठो वो किए थिंदो जडी अस ओड़ा कम कंदासी चंगो कंदासी च एक बी भी गाल चवंदा आन त अगर रोज नथा मिलो न मिलो को मसलो ना है छो लाइफ एडी बिजी एडी प्रैक्टिकल आ जो अस अगर चाहूं तब नथा मिली सकूं सो उन ला छा कयो दुआओं में याद रखो आजकल जो एडो जदीद दौर आ सोशल मीडिया दौर आ व्हाट्सएप दौर आ कुछ भी न सुबह जो एक गुड मॉर्निंग जो दुआन भर मैसेज कर छो हमेशा पी दुआन में याद रखो छो जो चवंदा तो जदई भी तां का दुआ घुरो अ दिल में सोचो ता जुबान ते भी नथी अचे पर अल्लाह वट वो पैरी थी पहुंची वे छो जो चवंदा अंदर में जी नियत बदबी आ वह नियत होंगी अंदर में सोचण त असा सोचू ता पूरो थी वे बाजार तो असा गलो ही को कें कुछ को मू कम कि छोटे जी अंदर का दुआ निकरंदी वह दिल में निकरंदी वह दिल में निकरंदी तो वह एंजाइटी को डिप्रेशन को टेंशन को इंसान रिलैक्स रो मंजिलू माणी वो मुस्कुराई रो मुर्क रो टहक रो खुशबाश हशाश बशाश रो ते अगर खुश रहो जिंदगी के कामयाब ठाणो आंजे पान के डिप्रेशन में ना रखो पेंो पान के मंजिलू मारण तो हमेशा पॉजिटिव सोचो सुठो कयो सुठी सोच रखो सुठो तहां सोचे ता छो तो वह एक दुआ जी जगह होंगी वह जात ला दुआ पा घुरो अल्लाह का अल्लाह साई तू मुख्य नेक कर हिदायत दे डाउन टू अर्थ रख हेट नमाए मानून ला हलाए दुआ ही होंगी ना जी अंदर में कह गाल कें खबर को पर मुझे रब के खबर होंगी हलंदे फिरंदे रब से गाला रहा कर ये दुआं कंदा रहा कर छो जो माइट जिंदा वली जिनकी दुआं बदुआं बही लगन खैर माइट तो बदुआ कहीं दींदा ही को कहीं बदुआ से भी अस टॉपिक रखा बुधाई तो बदुआ छो कारण निकरी वी पर अज जो टॉपिक अस दुआ है सो हमेशा पैं पाड़ेवारन जो पेंजे दोस्तन जो पेंजे सुनान जो ख्याल रखो जेडी मल दुआ घुरो ता हमेशा बे जो वसीलो घुरो तो अल्लाह सही फलाने के ही दिनों तई इन जे सदके में मुखे दे सो हमेशा दुआउन में याद कंदे दुआउन कंदे पेंजी जिंदगी गुजारो ताकि जिंदगी में आसानियों पैदा थियन आसानियों बखेरो जी तो हाँ दुआओं की गाल दिल तो चे तो सामू वाले मुझे ढो प्यारो सिंगर वेठो आ माशाला माशाला
दिल ता उन्ने के बचवा मुझी दिल चती तो के दुआओं ने तू एडो क्यूट क्यूट मासूम रो बाड़ो है आई अल्लाह तो के कामयाब करे मंजलू माणी आई जेकी तुने माइटन तो जेकी भी सोच रखिया जायज ही ने कामयाबियो तो के अता फरमाए सो मुसवर राज असावट मौज मौजूदा नंडे लाखा किए चवा उ तो नंडड़ो आ सो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम दादा एडा नंडड़ा आयो माशाल्लाह माशाल्लाह क्यूट क्यूट सा जो मुझे दिल पई चे दुआ जो जिक्र ले मुझे दिल में आता हां जेला दुआओं निकती हूं अल्लाह ताके काम कामयाबी मनाए जो जे असने प्रोग्राम में जेके भी ना असने दिल चवंदी उनन के दुआओं कयो आई माशाल्लाह दादा लाई उनन सबनी में नंडड़ा ता आया हो सो मुझे दिल ती चे ता ताब कामयाबी मन जो करो आई उने सा गडो गड ताके खबर आ दुआओं त दुआ त असा हन दोस्त के बिलाई कंदा आई छोजे जेके मुंजा सुनाणु आ मखे फोन करे चंदा आ त यार असा दिल मा नला दुआओं निकंदी ने इजी असा के जेके ने एक्सरसाइज थी बुधाए जो असा उथू बनाता असा हथ पे हलंदा रंदा इन ये असा दी डाडी सुठी दोस्त आ अजता के खैर एक्सरसाइज जी जरूरत त ना पर जी दिन ता हब कंदा पियो त सा खण में exactly. डाडो मजो इंदो आ ना है ना एंजाइटी कोन थींदी सो असा वरी दोस्त के साथ सनियु आई वधिक दुआ उने के डियारियु ता सो अचे थी साइमा इरफान अस्सलाम वालेकुम साइमा की है यो ठीक ठाक सब का अरे वाह कैसी लग रही हैं आप बहुत अच्छी लग रही है बहुत सुठा पे लगो प्यारा बहुत अच्छी लग रही है हाय थैंक यू सो मच यार पर खबर था मु अजी डठो ता के यो पिंक मुजो थोड़ो डिफरेंट थियो ग्रेस ब्लैक के शोन का सबनी का थोड़ो चेंजिंग डिफरेंट जबरदस्त थैंक यू सो मच आप भी बहुत अच्छी लग रही हां ये हम डिसाइड करके आए थे दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे ना यो सच्चा तो हुई तारीफ करना है पोस्ट करना है रियल सामु तहां जी बिल्कुल तो सा ये ही रोज मिलंदा है हालात ने तो ये ही सा प्यारी मोहब्बत सा हलंदा बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे आज छा ता बुधायो आज जो है स्ट्रेचिंग और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कैसे करें और स्टैमिने को बेहतर कैसे करें मना जी तो, दुआ घुरन आयो रिलैक्स होन आयो कामयाब बनन आयो तेता जो ता आज थोड़ी सी डिफरेंट होगी पहले बैठ बैठ के जो एक्सरसाइज था बिल्कुल जबरदस्त वो तो जितनी एक्सरसाइज बताती हूं सारी खड़ी रहने की बिल्कुल बिल्कुल जिस तई साइमा ने नखा मुसवर का पछना सी मुसवर नंडे होने का शौक हो हालांकि नंडड़ा आयो इनहेल उल्टा सांस जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं उससे हम उल्टा सांस लेंगे इनहेल करते हुए इनहेल टमी के अंदर आपने एयर लेके जानी है एंड स्लोली एक्सहेल इनहेल टमी आउट एक्सहेल टमी इन तो जितनी आप ब्रीदिंग करेंगे उतने रिलैक्स रहेंगे आपके लिए तो वैसे भी रिलैक्स होना बहुत जरूरी है और वैसे तो सबके लिए लेकिन खासतौर से जो सिंगर लोग होते हैं उनके लिए तो वैसे भी कई लोग को होते हैं एक्सप्रेशन से अपने जाहिर करते हैं तो आपको तो वैसे ही बहुत जरूरत होती है तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बिल्कुल ठीक है सबसे पहले हल्का से वॉक करेंगे वार्म अप करते हुए ठीक है वार्म अप करते हुए एक मिनट बस ओके ठीक है वार्म अप करते हुए आएंगे और दोनों हाथ सामने इस तरह से ये वार्म अप से ये जब भी आप कोई सी भी एक्सरसाइज करें तो आप ये जरूर किया करें ये जरूर किया करें ये जरूर किया करें जो भी एक्सरसाइज करें ये समझो वार्म अप्स हैं ठीक है इसके साथ इनहेल एक्सहेल हर एक पोज के बाद आपने इनहेल एक्सहेल करना है ठीक है एक लेग मेरी देखें बिल्कुल स्ट्रेट सामने है और दूसरी लेग देखें मैंने साइड में रखी इस तरह से फीट अपना इस तरह से रखा और हल्का सा नी को बैंड किया मैंने दोनों हाथ इस तरह से कर दिए ठीक है अलाइनमेंट एक तो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट सही होगी आपका पोस्चर सही होगा आप खुद देख रही होंगी मेरी बैक जो है झुकी हुई नहीं ना पीछे है ना आगे है बिल्कुल स्ट्रेट है आपको पीछे से सही सारा नजर आ रहा होगा बिल्कुल ठीक है और ये देखिए हाथ की अलाइनमेंट ठीक है बॉडी की अलाइनमेंट और ये हरकतू करना है ना जी बिल्कुल तो ये है कि आपकी बॉडी की एक तो अलाइनमेंट सही होगी आपकी स्ट्रेचिंग सही होगी आपके जो है स्टेमिना बढ़ेगा ये वॉरियर पोज कहलाता है ठीक है ये आप इसी तरह से 30 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आप इसको आप बढ़ाते जाएंगे जितना पोज को आप डिले करते जाएंगे उतने उसके आप बेनिफिट्स लेंगे और इसी पोज में रहते हुए मैं ये बता दूं कि ये देखिए बॉटल्स हैं
बॉटल्स हैं, इसी तरह से अगर कोई चाहे अपने मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहे इसी पोजीशन में रहते हुए, ये देखिए ऑप्शनल, ये अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में करते हुए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये कर लिया करें, अगर मतलब गुस्से में ना हो जाना। ठीक है, और फिर इसी तरह से एक हाथ को पीछे रखा मैंने, ठीक है, एक हाथ को पीछे, दूसरा हाथ इस तरह से रखा ये सामने, और अपने हाथ को देखते हुए ये अपने बाजू को ऊपर जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसको कीजिए, और फेस ऊपर, आप ये देख रही होंगी कि मेरा हाथ ऊपर है, ये बाजू ऊपर है, आपके आर्म्स की जो है एक्सरसाइज हो रही है, आपके बॉडी आपके आर्म्स की जो है ये स्ट्रेच हो रहा है, इसके साथ आपके आर्म के मसल जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, और आपके फेस वो लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आपकी आईसाइट बहुत अच्छी हो रही है जी, जबरदस्त। ये देखिए ना, आप खुद देखें, ये देखें ये फेस लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि दोनों साइड करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, एक हाथ मैंने ऐसे रखा ये, और दूसरी साइड से मैंने ऐसे ऊपर मथे खड़ो। वाओ, जबरदस्त यार। ठीक है, सही है। और जो लोग ये बॉटल्स नहीं उठा सकते हैं, उनको थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो वो वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। भले पैरों वालों ये कर, अगर ऐसे नहीं आपसे किया जा रहा तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। और इसी तरह से नीको बैंड किया, ये वेरिएशन है इसकी, अभी जैसे मैंने हाथ ऊपर उठाया, और इसी तरह से, और दोनों हाथ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ये, अरे वाह। लेकिन जो पोज कर रहे हैं आप, उसके आप जो है एक तो ज्यादा डिले करें उसको, टाइमिंग्स को बढ़ाते जाएं, और उसके साथ साथ आप जो है उसको फील करें उस पोज को, कि कहाँ कहाँ अफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको खुद जो है फील होगा कि आप जो है आपके कहाँ कहाँ आपको हो रहा है, कि आप फेस ऊपर है, फेस लिफ्ट हो रहा है, आपकी आई सेट जो है वो अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, आपकी बॉडी का जो है शेप वो बन रही है, तो आपको खुद फील हो रहा होगा। दोनों हाथ ऐसे रखें, अब लेग्स को चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से पहला वाला लेग जो है मैंने बैंड की, पीछे वाले लेग को फुल स्ट्रेट रखा, दोनों हाथ ऊपर, आप इसको और ऊपर लेके जा सकते हैं, जितना आप आपकी एनर्जी है, आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, और कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ऐसा ऐसा पान थी तो वने बिल्कुल करे दो, और इसी तरह से सामने भी इसको कर सकते हैं। ये वेरिएशंस हैं, इसके अंदर जितनी आप चाहें वेरिएशंस कर सकते हैं। कहने को एक वॉरियर पोज है, पहले मैंने साइड में किया, नीचे किया, पीछे किया, उसके बाद हमने क्या किया सामने, इसका भी आप वही 30 सेकंड से आप कर सकते हैं, काउंट कर लें, 10 तक काउंट कर लें, या 30 सेकंड आप होल्ड कर लें, इसके बाद आप बढ़ाते जाएं, इसके साथ आप दोनों हाथ नीचे ये। ठीक है, जबरदस्त। तो आप जितना इसको होल्ड करेंगे, जितना आप इसको होल्ड करेंगे, आपको उतना इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सुठी दाडी, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। टिप ऑफ द डे छा था रही, टिप ऑफ द डे ये है कि जैसे बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, हाइपर होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करें कि एक घर में एक जैसे तकिया है, उसको उसके अंदर काफी सारी रेत भरें, ठीक है, तो उसको लटका दे कहीं, जब बच्चे को बहुत ज्यादा हाइपर हो, गुस्सा है, बोलो इसमें आपने 10 पंच जो है मार के आने अपने, ठीक है, बच्चा बहुत भाग रहा है, इधर बॉक्सिंग बॉक्सिंग करें, बॉक्सिंग करें, तो अपना पूरी जो है उसको जो है एनर्जी जो है वो डाइवर्ट करे, नेगेटिव एनर्जी जो बच्चे के अंदर आ चुकी है उसमें जो है वो डाइवर्ट कर दे, तो एक तो जो है बच्चा हाइपर जो है वो कम होगा, और उसकी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज है, तो ये टिप ऑफ द डे है कि बच्चों के लिए ये ऐसी चीज है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा जो है नॉर्मल हो जाएंगे, शुरू में उनको मुश्किल होगी, नहीं सुनेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको मोटिवेट करें कि ये रेगुलर अपनी रूटीन में रखें, जब भी उनको गुस्सा आए या जब भी बहुत ज्यादा हाइपर होने लगे, तंग करें बच्चे, आप उनको बोलें कि ये इसमें इतनी किक्स लगानी है, 10 से स्टार्ट करने। थैंक यू सो मच दाडी, सुठी गाल कही, आसानी आ बारन के यू हुंदो आ, असा के बोरियत थी थे, कुछ न कुछ कयो, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं वाली मिसाल, जेको एनक वाला जिन हुंदो नंडे वंदे दिसना आवासी पीटीवी ते असा जे हलंदो, तो वो कमा त उने के यो बॉक्सिंग ला देखियो, रेत भरे व्याणे जो छौ खाली हुंदी होन, इजी हुंदो, टंगे छरोस, बधी छरोस के पाइप शाइप में के दर वट कुछ भी पैराल एक्स वाई जेड के डस 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 डस, सो जबरदस्त तरीके सा कंदा कयो, सो
थैंक यू सो मच. वेलकम जी मुसवर. तहां बुधायो तहां जो मन का चाचा रिलेटेड इन एशिया सा. बिल्कुल बिल्कुल चाचा दादा दादा भी छ तो मु शुरू में भी आ गल के फैमिली हेरिटेज में तो बैकग्राउंड सारी म्यूजिक से छा नालो आ बाबा जो ओ सॉरी दादा जो ई पे चाचा जो बाबा सूफी तमाम बेहतरीन गायक हो सूफी अब्दुल हक सरोई. हम देखा था सामू खाली सदा सब मजो इंदो है ना. जी बिल्कुल हां जी नेडे पे तुम धमाको करो तो हिकड़ो मानूई आहे चिणो करे हिकड़ो मानूई आहे चिणो करे हिकड़ो मानूई आहे सजो घर खड़ी सजा जोर के दो हवा लगाओ जोर के दो हवा लगाओ मुझे को दियो
सज तो भुरे तगुलड़ा चढ़न था सुबह जान मारंग ना ढावड़न था सुबह जान मारंग ना ढावड़न था सुबह जान मारंग ना ढावड़न था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जड़े सिज तो भुरे तगुलड़ा चढ़न था सुबह जान मारंग ना ढावड़न था सुबह जान मारंग ना ढावड़न था सुबह जान मारंग ना ढावड़न था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल वेलकम बैक वेलकम बैक वारा ठाईंदे ठाईंदे छोड़े वारा पे मुझे आइए निकता सो आज असां वटि आहे एक क्यूट सी जेकी पहिरीं बि असांजे प्रोग्राम में आई आहे वरी अञा हुनखे ॿीहर सॾियो आहे पर इहो बि हिकिड़ो सरप्राइज़ अथव त छो सॾियो आहे छा जे लाइ सॾियो आहे छा करिणो आहे हुनखे इहो अची तव्हांखे असां अॻियां ॿुधाईंदासीं ऐं मूंखे चवंदा आहिनि शकलूं ठाहे छो ॻाल्हाईंदी आहीं ऐं शकलूं ठाहे पई ॻाल्हायां केॾी प्यारी पई लॻां बहरहाल सो so cute mujhe saamu baithi aa so asa unke welcome da kyun daniya abro assalam alaikum wa alaikum assalam ki aayo ta khairiyat ta first class zabardast ani get up sa khair maanu samjhi ta winda ajkal viewers da da hoshiyar hain jeko aa par yo ekdo surprise aa lazmi gal aa surprise jeko aa wo बगैर मेकअप के वेठी चाहती बुधाया पर समझ में अची वी गो वेठी बगैर मेकअप के पर अस को छो तो सोचो शर्तू लगवी मुझी गाल सच्ची निकती थी धीरे भी कहीं अम्मा न न तोखे खबर कोने तू पुरानी दौर जी तोखे खबर कोने अजकल जदीद दौर आ बगैर मेकअप जे बबयो रन पर सीनियर सीनियर हुंदी आ मां वेजी अम्मा आउं तोखे बुधाय के नी ये जरूर के कम सा वेठी थई इए वेठी कोने मेकअप दे बगैर सो बहरहाल हाणे यो कॉम्पिटी के नाल दौरे खबर पए पर तेसे सा उनका बैठी सवाल के उता हा दानिया इयो बुधायो पेंजी स्किन जो तहां जको आ केयर किए कंदा आयो केयर स्किन जी मां ये कनी आ नेचुरल शयूं इस्तेमाल कनी आ स्किन लाइ मां कने भी कोई एडी प्रोडक्ट्स जेके मतलब ये एड अची वेंदो आ त ही स्किन लाइ सुठो सोप आ ही सुठी क्रीम आ ही नाइट क्रीम आ त ये सब शयूं मां एतरो फॉलो न कंदी आ बाकी नेचुरल शयूं जी एलोवेरा थी वयो खोपरे जो तेल थी वयो नीम नीम वाटर थी वयो उने सा मां डाडो मतलब एक अगे मखे अगे में हुंदी हुई एक जो पानी जो देखो हां एक नी जी प्रॉब्लम हुंदी मखे त मां एकरो दफो भी अगर वीकली मां धोई चली नम ना फेस द 6 मंथ्स अच्छा तां नॉर्मल जो पानी आ उने सा तो मुंह धोइदायो तेज थदे सा कोल पेंदा पेंदा भी जा धोइदायो ने गरम सा ना ना नॉर्मल सा हां जी पण पेंदा नॉर्मल पानी पेंदा पेंदा रूम टेंपरेचर हां रूम टेंपरेचर हां उने सा ही मुंह धोइदे आया पर उने पानी के पेरो मां नीम वाटर के गरम करे उने के थदो करे पो वरी उने सा क्लेंजिंग 6 मंथ्स लाए मुजो क्लेंजिंग की कंदा क्लेंजिंग कंदा यो यो जी बेसन थी वो बेसन हनी आए उने का अलावा मतलब नेचुरल हर्बल हर्बल शयो इनन सा मां क्लेंजिंग करे अच्छा मतलब राज मेकअप डालनी हां ता जो जको इलाई जको जको टाइम इलाई थी आउने का पो मेकअप उन में से जोड़ी तो जे लंबी रिकॉर्डिंग से नहीं या पो रात जो वनी जको ता रिमूव कंदा इलाई मानु अन चवंदा त मेकअप रिमूवर वठो ही वठो हालांकि शुरू खां ही होई आ खोपरे जो तेल हणी छड्यो पो ऑयल हणी उन सा साफ करे छड्यो एलोवेरा जेल सा जको आई वडी गल त ता के आए कोन त ता वो वण ब बिल्कुल है इन भी गाल बताया अक्सर यो मिस गलती थी वी छोकरिन का एलोवेरा के खड़ी ही कटे कर मुँह से हणी छींदा ये सही ना होंगी उनमें जेल निकरी उनके हटाए छड़न खे वो जहर हों के स्किन ढो इफेक्ट वो हटाए कर अगर वो एलोवेरा जो जो गर हूँ हाँ उन्हीं से अगर फेस के बेनिफिट मुसवर भी पो ऐसे मतलब
केतरा ग्लास में पानी पींदा आयो बसवर था यार 12 थी ना अराउंड ना हां जबरदस्त डाडू जबरदस्त अच्छा करी दिल कोन चाहिए तो थोड़ो मखे मोटो मोटो थणा खपे हेल्दी हेल्दी थणा खपे शौक थिंदो आ चले चंदा सने मानु के थिंदो आ त असा थोड़ा थुलड़ा थियु थुलड़न के थिंदो आ त असा सना थु जिया उठनी आ ले सनी थी वणा ए ता सोचिना होना हां बिल्कुल ना बिल्कुल है ना हुंदो आ जो को नेचुरल अच्छा जी शेप अजे त असा उने का पुछना थी ता के काड़ी टिप दे चवंदा न रखल पटाटा रखल चावर रात दा बचल खाओ अच्छा मां एक दी है एक टिप इनन जले अगर इने के हेल्दी थेनो आए ता जरी ता कोई जिम स्टार्ट ता कयो ना जिम जिम वर्कआउट सेशन का अग में कुछ खाई छड्यो अध कलाक अग में आई वक्त वर्कआउट सेशन का अध कलाक पो कुछ खाई छड्यो उन वक्त ता के लगंदो आ आई पो ता जे को ना जिम में पेरा भी अगर 3 टू 4 मंथ्स अगर पेरा डाइट स्ट्रांग रखे ना मानु तो पो देन मसल्स गेन थी में देन वेट गेन थी बना हाल फल ता पान कोन पे चाहे माशाल्लाह मु ना इंटर में पे पढो ना इंटर क्लियर कर क्लियर कर चुका हो पो हां छा दी ता मास्टर जी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन अन मास्टर तो पोइंग पे ग्रेजुएशन सो सॉरी मुरी बात में मास्टर निकरियो सो बहरहाल छा ता करना चाहो मतलब अगया छा करो बस सिंगिंग या न पेंजो प्रोफेशनल अकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है नहीं जो के मैटर करता है लगया हाली इन ने अगर सिंगिंग के अगे खणी जालो तो अकेडमिक्स विसरी वनो जो के गलत है लाई बिठो वने ता बेसिकली अगर मुजी गल की माने ता म्यूजिक सा गरो गल आईटी जो है मुझे काफी पैशन ना पीसी सा काफी लगा हुआ था पीसी दी साइड में काफी इन आया छोटे ये ऐसी एन बनर दाडी डिजिटली डिजिटल दौर सो बहरहाल ये गालियो भी कचेरियो भी दिसना थी हलंदी रंदी कंदी पर पर चवंदा आहिनि जेकी शइ मार्केट में न आ गई ते छा गई वारी ॻाल्हि आहे सो असां चवंदासीं मुसविर खे त मुसविर हाणे छा था ॿुधायो असांखे तव्हां वांगुरु क्यूट क्यूट सो जीअं हींअर क्यूट क्यूट सो ॾाढो ज़बरदस्त तव्हां गानो तामीर हुसैन जो ॿुधायो हाणे छा था ॿुधायो हींअर मैम मैडम नूर जहां जो ट्रिब्यूट जे तौर ते ज़बरदस्त माना हाणे हा मिच्योर गानो था ॿुधायो जी थोरो थी वञे ना वो भी काफी मैच्योर गानो है सिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरा सुन के आते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी आते जाते आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना इतना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी ज
जाते जाते उसकी वो जान उसे पास वफा था के न था पास वफा था के न था उसकी वो जान उसे पास वफा था के न था तुम पर आज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरा समझ के आते जाते वाह 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 जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह ओली मलमू एको यो डायलॉग चो तो नंड नो पैकेट मारी सो धमाको तो वाकई धमाको निकतो आ और एकडी उर्दू जी डाडी मिसाल हलंदी आ ना खोदा पहाड़ निकला चो ते तो बाबा धमाको निकरी पियो जबरदस्त डाडी माशाल्लाह आवाज सुठी आ अल्लाह सा ताके तरक्की दे छो जी अज असो सेगमेंट में दुआऊं है ना जी बिल्कुल है ना तो असा चाहिना थी त जदी मतलब असन दिल मा कुदरती बसा के दुआ निकरे बे ता जेला माशाल्लाह सा अग्या अच्छा दानिया तहां के सिंगिंग जो शौक आहे बिल्कुल आहे मैंने कहता थोड़ो गुण गुनगुनाईंदा बयो हां हिंदर कोड़ो गीत जेके एकड़ी लाइन गुनगुनाए वठो मेहदी हसन खान साहब मुखे डाडो पसंद है बस ठीक आ वने मुसवर थोड़ा गिटार के ता हिलाई छजो ठीक है ना हां आओ आओ ले गया छीन के सब्रो करा ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करा बेकरारी तुझे ए दिल कभी करारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है हां गाल है मना गानो वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब प्रैक्टिस करना आयो केंजी उस्तादी में आयो आप प्रैक्टिस तो मुझे इतनी कौन थी नहीं बट बुद्धनी माला खबर खबर पे भी हुआ खबर पे जी लिसनिंग होनी है तो वो क्लियर नोट्स लगना है हां वो मन कैप्चर करवा दो केड़ा नोट्स कड़ी जगह थे वाओ नाम से क्यों जी बिल्कुल चाचा बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त लाद निकाला ही त उस्तादन जे विच में रहया एंड सो हन जा गाली गालिया हन जो ये तो माशाल्लाह दानिया मुखे अंदाजो कोनो माशाल्लाह ता आवाज दाडी सुठी आ ता वाकई so
अगर नितर बचो तो सुठी तरक्की करे सगो था सो ता के बस अजु खास दुआओं इन अल्लाह ता के कामयाब करे मंजिल माणियो हां सो ये दुआओं करण गुर्जन ना जिंदगी में दुआओं जे बगैर वे कुछ कोने सो चवना इन तो दुआओं करण गुर्जन दुआओं मनण गुर्जन छो के ता के अगर दुआओं में कुछ एडो मैसेज तो दे तो वो मनण गुर्जे आई गाल बुधण सा एकड़ी इंसान में ना एड़ी एकड़ी क्वालिटी अच्छी विंदिया बुधण जी जो दिल चंदिया त उने तरीके सा उने झुकाव सा लंदा रहू सो दानिया अज ता के बुधायो त वयो आ त ता के शैला घुरायो आ पर उने में कुछ सरप्राइजेस था जेको ता मना एग्री हो टेंशन कोने परेशानी कोने छा है सरप्राइज एड़ो को अच्छे केड़ो आ अब परेशान कोने मुझे परेशान कोने तुझे केड़ो सरप्राइज सो ता दिसी सको ता असा जा प्यारा खूबसूरत हैंडसम आई हसीन और तरीन आज वरी मुनी थोड़ी थोड़ी कंट्रास्ट पाया आया ता जिस कुदरती हो जनी है ना खबर पे जीवन दियास तो डॉक्टर खुर्रम मुशीर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप चाको स्टार फ्रेश लग रही हो ना आई देखे तो क्या बात है कॉम्बिनेशन है ना मैं वही कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन लग रहा है वाओ और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए अब मौसम भी कुछ बेहतर हो गया है मौसम भी कुछ बेहतर हो गया है मगर लोग बड़े परेशान हैं थोड़ा स्किन ड्राई हो रही है परेशानियां तो हमेशा अगर ड्राई हो तो भी मसला अगर ऑयली है तो भी मसला हम मसले से कभी भी आजाद नहीं है सुना नहीं है अब दुआओं पे तो बहुत अच्छा लगेगा हजारों ख्वाहिश है ऐसी दम निकले बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले तो हमारी सारी ख्वाहिशें अल्लाह पूरी करता है फिर भी कहते हैं ये भी पूरा नहीं हुआ ये भी पूरा नहीं हम बंदे ना शुक्रों में से हैं सो हमें शुक्र गुजार होना चाहिए तभी तो कामयाबी होगी बिल्कुल सही बात है अच्छा सबसे बड़ी बात यह कि एक चीज हो जाती है दूसरी तीसरी तलाश इंतजार ही इंतजार होता है आ जाए दानिया आपके लिए सीट जो है ना हमने आपके लिए रखी हुई है प्यारी दोस्त सबीना रेगुलर मैसेज राइटर भी शो में भाई भी खबर अव मैसेज मुझे सबीना आऊं इन्हीं टेंशन में से ताका पूछा यार ता हुआ तो मुझे शो दिसंदा हुआ ई ता तारीफ बकदा मके डाडी खुशी थी नी लाजमी एप्रिसिएशन मिले थी त इंसानी दिल खुश थी ते पर छा इन शो खा वणण खा पो छा ता दिसंदा आयो पर यकीन कियो दिल में चंदा है ना जे दुआ जी गाल कही थी त दिल में ख्वाहिशात या ता केडी सोच रखो ता त उआ वाकई पूरी थी ते सो ई हुन उआ गाल मुझे दिमाग में पेली पर हुन मके मैसेज के जरिए बुदाई के दी त हा यार आऊं तो शो दिसनी आ तो शो कोन पियो ले सो आऊं मुझे खासा है ते मुसवर सा अची वणा छो ते सामू आऊं ट्रीटमेंट भी दिसी सका त मुजी दोस्त दानिया जी ट्रीटमेंट किए पई थे सो वो बता सो लाजमिया इने कनेक्शन थी ना छो सबीना थैंक यू सो मच यार प्रोग्राम लिसन ला एप्रिसिएशन ला आई इने खिलदा मुस्कन आइंदा आई मुस्कंदा रहो छो जे रिसेंटली उन जो ऑपरेशन थयो तो सजो स्टिक थी घर में वही रहन मुश्किल सा थे आई हुई सो स्टिक जे जरिए पेटो पान के संभाले सो उन जी मेहरबानी थैंक यू प्रोग्राम लिसला थी सबनी के चनाती दिसे सो खुनम जी सर आज देखिए आज जबरदस्त चीज हो रही है हल्का सा एक रिफ्लेक्शन दिखाएंगे एक झलक दिखाएंगे हाइड्रा फेशियल की अच्छा जैसे क्लिनिक में करते हैं वो तो एक मशीन भी होती है थोड़ा उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा आप बिल्कुल नहीं डरे ठीक है और होता भी तो बड़ा स्किन के लिए थोड़ा हाँ बिल्कुल अच्छा इलेक्ट्रिक करंट नहीं है मगर एक बेसिक जो हम करेंगे हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट्स होती है बिल्कुल जी अप्रूव्ड है बिल्कुल अच्छा सबसे बड़ी बात ये देखिए इसमें क्या होता है हाइड्रा फेशियल में कि कभी यंग एज है या फिर आपकी डाइट सही नहीं है ठीक है नींद सही नहीं है ठीक है अच्छा दूध नहीं पीती लड़कियां दूध का प्रॉब्लम है मोटे हो जाओगे तो हां दाड़ी सुठी गाल कही या खबर था जी मुझे पेनी धीए भी यही थी चवे आम कौन पे ना मोटी थी दस हालांकि यो किए तो थी सके बिल्कुल भी नहीं उनमें नामुमकिन देखिए एक तो बहुत जब छोटी एज होती है तो दूध में विटामिन B12 होता है ठीक है बच्चे पढ़ाई में तेज उसी से ब्रेन बनता है फिर थोड़े बड़े होते हैं तो आपकी ग्रोथ हड्डियां दांत ठीक है फिर आप एक एज में आते हैं जब वर्किंग होते हैं तो आपकी तमाम मसल्स को चाहिए होता है और ओल्ड एज में जो बीमारी हो जाती है भूलने की ओल्ड एज जी एज छा हो जण कपे 30 अबाव या 40 अबाव ना 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 नहीं नहीं 60 अबाव अच्छा लाइक ओडा हां 30 35 में आपको एक वाइटैलिटी चाहिए होती है मसल को प्लस 30 25 आपको काम करना होता है आपको शो करना है इधर भागना है सारी चीजें देख रही है तो वो ही चाहिए बिल्कुल असा भेड़ा उड़ा ना भरी हुई शो पहने ट्रीटमेंट शुरू करूंगा ना ब्यूटी भी दूध से बड़ा ताल्लुक है तो हम ये जो आज करेंगे इसमें
दूध का एक एक्सट्रैक्ट भी लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी हाइड्राफेशियल में इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये होगी, देखिए माल्टोज एक्सट्रैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जो ऑरेंज होगा बिल्कुल माल्टे का एक्सट्रैक्ट, ये देखिए उसकी बहुत और बड़ा रिफ्रेशिंग, ये आपकी तमाम झाइयां झुर्रियां पिगमेंटेशन अभी अभी सामने क्लियर करेगा, आंखें बंद रखिएगा। अच्छा ये दो तीन टोन की स्किन है, ठीक है, यहाँ पे पिगमेंटेशन आ रही है छोटी छोटी, ये ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, ये सारे आंखें बंद रखिएगा ना, बिल्कुल रिलैक्स, कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। हल्का सा टिंगलिंग होता है इसमें ना। अच्छा पानी आप ज्यादा पीती हैं और फ्रूट्स वगैरह लेती हैं, नाश्ता क्या किया आपने? क्या बात है, जौ का दलिया, अच्छा अच्छा, और जंक फूड कितना खाती है? ठंडक देगा आपके ओपन पोर्स को बंद करेगा। खूबसूरत ब्यूटीफुल फेस है आपका, मैं एक लाइव एकदम करूं ना यहां थेरेपी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हॉस्टल लाड़ी भी सीट खाली करना था के लेकिन मैं ना बोले चले थोड़ी होसिंग सांस ना चलेगी कमजोर ना है ने देखा सर जो कमाली सीट जो है के सीट कमजोर ना करे बड़े आंखें बंद सीट ना है छड़नी मजे की गाला खुरम गलण वारो आम गलण वाली भाई जो मुकाबला दो दम दम डाडो मजो इंदो आ जड़ी खुरम जो सेगमेंट नदो आ डडी एनर्जेटिक हुंदी आ जी तवा जो मजो इंदो खुरम सा कचेरियों थिंदियों आई हु बगलाइंदा उनके आऊं कटिनी थू मुखे कटिंदा वा जो मजो इंदो खुदम समझ में आई गाल जी बिल्कुल आ गई है ना जबरदस्त यही गाल आराम से बेहतरीन आप बोलती हैं फ्लो में। अच्छा देखिए ये जो है ये लैक्टिक एसिड में निकाल के दिखाता है सर आपके आप देखेंगे ये लैक्टिक एसिड और ये पूरी स्किन को क्या करेगा आपकी पूरी स्किन को एक पूरा गजा देगा स्किन फूड, ठीक है ये जबरदस्त ये देखिए पूरा स्किन फूड, ठीक है और इसके अंदर क्या है चमेली का एक्सट्रैक्ट तो उन्हें जी खुशबू भी इंदी होंगी साथ साथ जबरदस्त हाथ हल्को रखनो आ नरमाइश सा करनो आ अन्य इलाई देर करनो हो वहां कितनी देर टाइम कबो ये समझे ये देखिए अभी करेंगे 5 मिनट बस उससे ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा है जो इतने टाइमिंग घट हों दुआ ताँगे खबरा सेगमेंट सिस्टम हों दुआ पर एक रो 5 मिनट टे मिनट ब मिनट 5 मिनट ये मिलाए जुलाई बटे क्रीम उनके बस थोड़ो रिलैक्सिंग कब हुआ आराम आराम सा बुधाए वो बतन दो बन हुआ तो रिलैक्स अंदर का फील जो कुआ शुरू थी बुधा पर उन्हें मैं अक्यू बंद करें ताँगे सुकून बचन हुआ। अच्छा आप लगाएंगे क्रैनबेरी, क्रैनबेरी होता है जैसे कि स्ट्रॉबेरी का फैमिली का उससे क्या होगा कि आपकी फैमिली पूरी फैमिली है जैसे फालसा क्रैनबेरी स्ट्रॉबेरी खाने बहुत अच्छी है और लगाने अच्छा, फालसो नालो ये जड़ो ने जो भाव जे जी बिल्कुल वो भेण हां अच्छा इससे आपकी स्किन नेचुरली खाना भी और लगाने से आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है, ठीक है ये देखिए। अच्छा पेरी नानी दादी होंदी ये रियल शयूं होंदी पेरी इस्तेमाल करदी पट्टी नहीं हो बस ये शुरू होंदो हां छाए वो शे बोतल के जरिए आ इजीली कैन में अच्छी भैया टाइम ना है प्रैक्टिकल दौड़ा बिल्कुल इजीली। अच्छा आपकी आपकी बात बड़ी सही हो गई, लोग पता नहीं कहते हैं जी दूध पिए कौन सा दूध पिए अब आप कराची में आपको गांव में तो है नहीं, है नहीं तो आपको ट्रैक्टर पैक में कोई बुराई नहीं है सही घर में सारी चीजें। अच्छा देखिए अब ये करेंगे अब ये पेन क्रीम लगाया अब इसी को ब्रशिंग से हल्का सा पेनिट्रेट करेंगे। अच्छा यो ब्रश जो बड़ो कमाल आ जी जल्दी जो ने थक जाए कौन तो बिल्कुल भी ये देखिए ये बिल्कुल और ये डॉक्टर अल्लाह दवा जो कमाल आ यार है ना। अच्छा अभी अभी देखिए इंस्टेंट ग्लो आएगा। अच्छा पता है अब नेक्स्ट वीक हमारी मॉडल जो है उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आएंगे कि एक विटामिन की टैबलेट पिक वाइट साथ में गोट्स मिल्क वो आप कंटिन्यू करिएगा ठीक है और 4-5 सेशन करेंगे देखिए कितने जल्दी ये जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आप एक आएगी चीज जिससे मैं पेनिट्रेट करूंगा पूरी नेक भी अच्छा से लाइट रिंकल भी आता है ये आ गई एक स्टोन आएगा ये ना ये स्टोन है ठीक है इसमें हल्की सी वाइब्रेशन ये देखिएगा जलन होगी जबरदस्त पे लगना माशाल्लाह एडो रिलैक्सिंग पे लगे दानिया के दिसी दिसी बस मुखे पते त जल्दी प्रोग्राम खत्म थे त मुजो शुरू करे ही छ इंशाल्लाह और मैं अगर पूरी मशीन लेकर आए तो और अच्छा पूरा मशीन पूरी ता फिक्र ना करो आप पहुंची भी नहीं जावा बिल्कुल 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 आप आए ना वहां है ना हां इंशाल्लाह एक कराना चाहिए ना यार दिसो के एडो रिलैक्सिंग आ आई केडो फ्रेश तो थी ने बाकी सामोनी ओडावनी पनो ने जे विंदासी क्लिनिक में और ये डेड स्किन भी आपकी अच्छा ये टाइमिंग छा हो जाए कितने कितने गैप में कजे ये शुरू में करते हैं वीकली
हर हफ्ता। अच्छा, हर हफ्ता कम से कम 6-7 करते हैं। अच्छा, फिर 15-15 दिन में जाएंगे। मतलब 2.5 महीना जैसे आपकी स्किन है वो बिल्कुल परफेक्ट है तो उसको 14 डेज सही है। 14 डेज। अच्छा, जिसकी तरह प्रॉब्लमेटिक है 4-5 डेज, फिर 7 डेज, थोड़ी सी पिगमेंटेशन है 7 डेज, ठीक है, और बिल्कुल फ्रेश है तो 14 डेज। अच्छा चवंदा आहे न त मरीज अगर डॉक्टर खां लिखाईंदो त पोइ कीअं कमु हलंदो। सो तीअं ई चवंदा आहिनि स्किन जो डॉक्टर लाइ बि इहो ई आहे त तव्हां पंहिंजे फेस खे केॾो बि सम्झो, पर डॉक्टर खे वधीक ख़बर हूंदी आहे त तव्हांजे स्किन में कहिड़ी शइ जी कमी आहे, कहिड़ी शइ उनमें जेको आहे असां शयूं इस्तेमालु करे ऐं कहिड़े टाइमिंग जे हिसाब सां उहो करे तव्हांजी ट्रीटमेंट थी सघे थी। सो महिरबानी करे घर में कंहिं बि अहिड़ियूं के फालतू शयूं हितां यूट्यूब तां हिननि तां हुननि तां पुछी जेको तव्हां कमु कंदा आहियो न कंदा कयो, ऐं डॉक्टर जो मशवरो ज़रूरु वठो हर ॻाल्हि में, दवा खाइण में बि दवा लॻाइण में बि, इहे ॿई शयूं डॉक्टर जो ज़रूरी आहे। बिल्कुलु। अच्छा, ये डार्क सर्कल भी देखें, डार्क सर्कल हो हाँ, डार्क सर्कल जेके बड़ी जरूरी है। अच्छा, हुआ भी का पॉइंट हुए डार्क सर्कल जी तो बुधाए छो तो घर में अगर केयर फेशियल ना नथो अचे खरम तो वो छा करे? देखिए, घर में अगर आपके फेशियल की कुछ नहीं है हाँ, तो आपसे मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, अरके गुलाब, दूध की बलाई उन्हीं के साथ और पुदीने की सूखा पुदीने की पत्तियां मिक्स, ठीक है, एक चुटकी कलौंजी डाली, ठीक है, और एक एक चमचा आप डालेंगे मिश्री जो शक्कर का खाने वाली नाला वठूता मुल्तानी मिट्टी यानी के मेट, ठीक है, ठीक है, उन्हें का मलाई उन्हें मलाई घर की मलाई जो खीर वाली है, कलौंजी कलौंजी जरड़ी चुटकी चा चना चिपटी चिपटी हां चिपटी इन्हें के मिक्स गला गला है छा चिपटी उन्हें का पो छाए वो मिश्री मिश्री वो पीठल पीस के पीठल मिश्री आई और ऐड करेंगे इसके अंदर ऐड में बिल्कुल हिंट टर्मरिक यानी हल्दी, वो हल्दी एंटीसेप्टिक भी आपकी पिगमेंटेशन भी खत्म करेगी और ये मिक्स करके तो स्किन जो टोन जो बरकरार है। वाह वाह। अच्छा, ये उठाए रखी है फ्रिज में? जी बिल्कुल बिल्कुल, बना के रख दे। कितना दिन हली सकते? बड़ी हले 5 डे। अरे वाह। और उसका बगे नहीं कि जो बनाए तो हाथ डाल रहे हैं नहीं चमचे से बुरश सा। अच्छा, चमचे से हाथ डालेंगे 2 दिन में फंगस लग जाएगा। बिल्कुल सुठी बात है। सेकंड खराब थोड़ा कढ़ो। अच्छा, जार के ढक दे, जार अच्छी तरह कवर करके ना कि उस पे नमी ना जाए, ठीक है, वो करके आप एवरी डे लगाएं, आप देखें चेहरा कितना जबरदस्त मना कलौंजी ऐं जेको आहे यो छा चवंदा मिश्री या शयूं इज़ाफ़ी आहिनि, बाक़ी मलाई जेको आहे हल्दी और मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, मिश्री स्किन को टाइट करती है। अच्छा, मिश्री स्किन को टाइट करती है, हल्दी गोरा करती है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी ब्लैक हेड्स निकाल। अच्छा, एकड़ी मिश्री चंदा ने भी वो चंदा ने खरम पंजो छा फिटकड़ी फिटकड़ी वो अलग चीज है, वो अपने टाइटनिंग दी वो भी टाइटनिंग के लिए बहुत आती है, वो तो मतलब बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, वो ज्यादा जाएंगे तो जल जाएगा आपका। असा चंदा जी खुश रहण वारे माण्हू खे त अचो था मुंहिंजी चांहि खणी अची सघो था, बिल्कुलु हिन पुठियां खुदम जे पुठियां ईंदा वञो, खुदम जे पुठियां ईंदव तव्हां भले नज़र ईंदव। असांजे घर जो ड्राइंग रूम आहे, सो चांहि बि ज़रूरत हूंदी आहे। असांजी प्यारियूं दोस्तूं सभु अची चुकियूं आहिनि, साम्हूं नज़र बि पइजी वञो। वालेकुम सलाम। ऐं जेको आहे ॾाढी प्यारी पिल कंदा जोड़ी, अञा घणा स्टेप्स घणा आहिनि खुरम? जी जी जी, बस अब ये तकरीबन खत्म है, बस खत्म है, बिल्कुल खत्म है। ताके बुधायो न त लामिया हुआ थोड़ा 10-15-20 मिनट त लगंदा आहिनि। असां पार्लर में वेंदा आहियूं, मायूं अगर मशीन अधी मशीन जा कर जल्दी थियो आहे, 15 मिनट वधीक ॾियां पैसा थी भरियां, पर डॉक्टर्स वटि वञो आराम सां ट्रीटमेंट करायो। अची देखिए बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, हल्का सा इस पे इलेक्ट्रिक वो भी करेंगे और नेक्स्ट वीक आपके लिए क्रीम और विटामिन लेकर आएंगे। अरे वाह, जबरदस्त, आपको खुद देंगी, देखिए जबरदस्त। अच्छा, फेस कैमरे में देख ले। अच्छा, असा मुसवर के ब चंदासी त जेको आ अची वने असने पासे में अची वेन, आई उने खा पो अस जनादी इलाई मानु चंदा सके टाइम को मंदो मु जड़े मानु के यकीन के मके पार्लर वाला चंदा त अचो छो न था। सो असा जड़े मानु ला ही डाडी ट्रीटमेंट सुठी आ, तकड़ में वनो, तकड़ में करायो, तकड़ में अचो, ए तकड़ में सब कम तकड़ा तकड़ा। सो खुरम जी कंप्लीट थी, कंप्लीट हो गया सके। अच्छा, इसके बाद क्रीम देंगे, विटामिन देंगे, 2-3 सेशन करेंगे, बिल्कुल जो डेब्री है स्किन आप देखिए इतनी टाइट होगी, तमाम लाइन फ्रेकल्स रिंकल्स बिल्कुल। अचो था खुरम, कहां के सीट नहीं अच्छा याद। अरे वाह, क्या बात है, रही सका वारो पे री से दे जी, दिसो ये हुआ अंडरस्टैंडिंग मुंजी खुरम भाई जी, वाह अंडरस्टैंडिंग थी ना, बिल्कुल बिल्कुल। दानिया ता बुधायो छा पे फील कयो? मैंने नेट पे ये देखा था तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या क्या यूज हो रहा है, पता नहीं क्या फील होगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ, बहुत
म्यूजिक सा कितनी दिलचस्पी था बहुत 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 अभी मैंने गाना सुना बहुत जोर है बड़ा होने बड़ा बहुत सुर 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 वाला म्यूजिक बड़ा म्यूजिक भी बहुत जोरदार था सबके डार्क बहुत अच्छा बहुत सो असा चवंदासी पेंजो मुसवर के मुसवर हाण छाता बुधायो हां हां बिल्कुल हो नाम समझनो आ सिंधी बिल्कुल आराम जी बिल्कुल गाना कौन सा है टिक वांगर ठीक है तू भली दिल रुबा अरे ओए ओए बच्ची का पहाना उनाज कयां दी ता शुरू थी चलो ये ठीक है बड़ा क्लासिक है ना इस कुछ एड़ा गाना होता है सिंधी जब भी सबनी के वणंदा है ना बड़ी उसके डेप्थ गहराई लव जी रोमांस हां बिल्कुल तू हसी दिल रुबा नाज सो ये नखरा कर हो जन हां देर कर वो नखरा कर वो नखरा सुना गा सो जी जी शाम में म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट कयो ताके गानो हले असन व्यूअर्स इंतजार पे कन तू भली दिल रुबा नाज कर देर कर तू भली दिल रुबा नाज कर देर कर ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर तू भली दिल रुबा नाज कर देर कर तू भली दिल रुबा नाज कर देर कर ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर तू भली दिल रुबा नाज कर देर कर जाग में गीत तोत लिखा तो मिठा निंद्र में ख्वाब तू जा कहाँ तो मिठा जाग में गीत तोत लिखा तो मिठा निंद्र में ख्वाब तू जा लहा थो मिठा पंध में दंध में आए तू जी पचर पंध में दंध में आए तू जी पचर ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर तू भली दिल रुबा नाज कर देर कर नेशनल
सुबुह जा नवा रंग डाढा वणन था सो असा वटा जकड़ी एडी जबरदस्त मेहमान आऊं उनन जे बारे में तारीफ मुझे ख्याल से मोट लव्ज कोनन असानी सीनियर असानी इंस्पिरेशन असा उनन के दिसना उनन जो एकड़ो लव्ज असा ला इयो होंदो एकड़ो गुल वांगर छो जे उनन जो वेलकम करण या उनन जो असा जो वेलकम करण उनन जो चण त तहां सुठो था कयो त समझ त असा समझ त सडी पनी जिंदगी खटे करियो असा मार को मारे छडियो आ छो जे एडियो जेके सेलिब्रिटीज हैं वे असा जी अगर एकड़ो लव्ज तो चन तारीफ त वडी गाल आ एकड़ो लव्ज असाजे ला जिंदगी ला वो मंजिलू मारण आ जेकी असा सोच रखंदा आयूं सो उने जे असा जी एक एडी खास मेहमान सुणी सुठी अट्रैक्टिव नवे जी दिहाई खा पीटीवी सा मुंसलिक छो जे पीटीवी खा उनन स्टार्ट कयो सबनी के खबर आ ते पीटीवी को वो इदारो आ जेको सबनी जी मां आ जदी सबनी जी मां आ ते हिय बे एकड़ी मां आ एडी मां जो हर गाल में पे जो पान के पूरी कोशिश कई तन त परफेक्ट छो जे परफेक्ट मुजे रब जी जात पर हिनन का घटी न छी आपे पान के परफेक्शन में हिनन जा हस्बैंड ये जना है त शायद तू न हो जिया त मुझे ला कुछ न हो जिया छ तू एडी परफेक्ट है मा रिलैक्स है त मखे बिजली बिल भी करनो आ मखे घर जो सामान भी करनो आ मखे बारन के दिसनो आ मुझे फैमिली के दिसनो आ मखे ही करनो आ मखे आऊ फरीदा डाडो खुश है तो खा तू डाडी सुठी माई है मु को नेकी कया जो तू मखे मिली है सो फरीदा था त समझी वंदा सो असा वटा जाए फरीदा शब्बीर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है बिल्कुल ठीक ठाक देखें बहुत अच्छी आप माशाल्लाह सिंधी बोल रही हैं सब कुछ मुझे भी समझ आती है हाँ बस थोड़ा सा फ्लुएंट बोल नहीं सकती हाँ, लेकिन इतनी तारीफ का इतनी चीज़ों का बहुत शुक्रिया और सबसे बढ़कर आप लोगों ने मुझे इस शो में बुलाया पीटीवी हाँ, की यादें ताज़ा हो जाती हैं पीटीवी आने पर तो मेहरबानी लख एहसान है ता मन पे निंड फिटाए ता असा जे चरण ते आया आयो असा जे ला उही ऑनरेबल गाल आ बिल्कुल छो जे हमारे लिए भी है क्योंकि हम तो खुद चाहते हैं हमें कोई बुलाता नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि पीटीवी आए क्योंकि हम वही आपने जो कहा हमारी माँ है एक तरह से हमने यही से सीखा है अब जो काम कर रहे हैं तो इसी के बिहाफ पर कर रहे होते हैं बिल्कुल तो जब भी कोई हमें बुलाता है तो अगर हम फ्री होते हैं या कुछ भी है या टाइम निकाल के तो जरूर आते हैं बुलाने की बात दाढ़ी जबरदस्त गाल जिंदगी में ता माशाल्लाह ता जो पसे आईना एक डाडो सुठो प्रो हाँ। ड्रामो हो जे में मुझे खलसा ता शायद पुलिस वारी है जी जी है ना कैरेक्टर के अन्या ते दिसो नक्शो यो अचानक की ख्याल आयो की ता के नोयो ता वरी समझो ता कंदस समझ में छे पे मुझे सवाल हां हां समझ तपो तहा बुधायो अच्छा कैसे ये सोचा कि बस हां मुझे करना चाहिए लामी जब फर्स्ट टाइम एक मिलता है तो उस जमाने में इतना नहीं था और फीमेल पुलिस एक्चुअली मैं मेकअप करती थी अच्छा कमर्शियल के पीटीवी के या जहां भी प्राइवेट हाँ। प्रोडक्शन तो मैं मेकअप करती थी तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट में पसे आईना में हायर हुई थी अच्छा कि भई आप मेकअप करें मेरा अल्लाह का शुक्र है अभी भी बड़ा सलोन है लेकिन अब मैन है आदमियों का तो उस वक्त मैं काम करती थी तो उन्होंने कहा मेकअप करेंगे आप रुबीना अशरफ का फिर जब मैं मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी तो मैं गई और मैंने देखा उनका आप खुद करेंगे कोई लड़की नहीं आएगी मैंने कहा अच्छा चलें एक लड़की के साथ मैं आया करूँगी तो जब मैं गई तो वहाँ अल्लाह उनकी मगफरत करे हारून रशीद साहब थे उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करती आप इसमें रुबीना के साथ का एक रोल है करें मुझे अच्छा लगा मैंने कहा पता नहीं घर में से परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी खैर मुझे सबने बड़े ओके किया और वर्दी में था और वो इतना माशाल्लाह हिट हुआ कि वो मेरा पहला प्ले था आज तक सब मुझे याद करते हैं दूसरा ये कि उसके बाद उससे ही मुझे पीटीवी से कॉल आई और फिर माशाल्लाह मैंने जो काम किया पीटीवी में काजिम साहब के साथ उलझन और तस्वीर हाँ सारी चीज़ें माशाल्लाह यकीन कंदो तहां जो वो ड्रामो किथे भी नथो लगे तो फर्स्ट टाइम आ जी ये तो लगे जो फरीदा वो प्रोग्राम पहले दफा ने को 10-12 करे जो किया दी एक्सपर्ट माशाल्लाह बस ये तो है एक्सपर्ट वो अब बस मसला ये है उसके बाद से मुझे रोल ही ऐसे मिलने लगे वो तो मना वो जो खतरनाक हो रहा है हालांकि खतरनाक कौन हूं दिया हां वो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे सबसे अच्छा, मिलता है जिंदगी को जैसे घर में परफेक्शन बाहर फैमिली को संभालना करना वो एक पूरा सिस्टम के साथ चलना होता है और वो हर किसी के मैनेजमेंट जो है ना हर किसी के बस की बात नहीं है बिल्कुल और मैनेजमेंट पे कोई चला सके तो वो चीज़ आप में नजर आई उनको कि उन्होंने कहा कि नहीं ये रोल ये बंदी बड़ा
वो अंगूठी पे नगीने की तरह करेगी और अल्लाह का करम है कि आपने वो अच्छा निभाया जी, जी, और इसी तरह आपने जिंदगी में भी माशाल्लाह से शबीर भाई के साथ जो आपकी लाइफ गुजरी हम जिनके जरिए सुनते हैं या मेरे हस्बैंड खुद बताते हैं बिल्कुल आप लोगों से तो बहुत ज्यादा है हाँ। आपके और आपके मियां की वजह से बैठे और सबसे बड़ी बात मतलब वो पीटीवी में है तो हमें बुला लेते हैं पहले दूसरी जगह तो दूसरे शो में आ जाते थे वही बहुत ज्यादा याद कर लेते हैं क्योंकि जहाँ की यादें होती है ना वो अगर फिर दोबारा से रिकॉल हो जाए तो बड़ा मजा देती है क्योंकि देखें हमने तो यही हम शबीर से मिले हाँ। तो सबसे बड़ी चीज तो हमें अपनी ही शादी अपनी चीजें याद आने लगी माशाल्लाह। अच्छा पहले तो मुझे सबसे पहले आज बताएं कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है अरे ये तो ना बोले स्मार्ट तो आप हैं स्मार्ट स्मार्ट नहीं हूँ मैं बहुत प्यारी लगती हैं बहुत अच्छी लगती हैं बस अल्लाह का एहसान है ग्रेसफुल है अल्लाह का एहसान है मुझे तो बहुत दिल चाहता है कि मैं बहुत पतली हूँ लेकिन बस अल्लाह का करम है। अच्छा जैसे इंसान की ना साल साल एज बढ़ती है एक निखार आता है ग्रेसफुल बंदा हो जाता है कोई होता है कोई नहीं लेकिन आपकी पर्सनैलिटी मैंने नोट किया पर्सनली मुझे मेरी दोस्तों ने भी यही कहा कि इनकी पर्सनैलिटी निखरती जा रही है और समझती जा रही है और माशाल्लाह मेकअप तो वैसे भी आप मेकअप आर्टिस्ट हैं क्योंकि मेरा सवाल आगे था कि सैलून का क्यों सोचा वो आपने वैसे ही बता दिया कि मैं मेकअप आर्टिस्ट थी तो लाजमी बात है और कहते मेकअप आर्टिस्ट का खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है तभी तो अट्रैक्शन होगी कि उसको कोई कहेगा कि मुझे इससे तैयार होना है ऐसा बिल्कुल ऐसा है और मेरा ख्याल है कि फिर वो जब हम काम कर रहे होते हैं अब तो मैं इसलिए कि मैं बहुत कम काम कर रही हूँ हमारा मैन सलोन है तो मैं अपने ऊपर तवज्जो दे देती हूँ उस वक्त ऐसे होता था कि टाइम ही नहीं मिलता था अपने साथ कुछ करने का माशाल्लाह काम इतना होता था ना कि आप बाहर भी करते हैं अंदर भी ये फिर अल्लाह ने बच्चे दिए मुझे माशाल्लाह तो बस ये सारी दो बच्चे हैं आपके माशाल्लाह बेटा एक बेटी एक बेटा एक बेटी। अच्छा मजे की बात ये है कि एक औरत घर को भी मैनेज करती है बाहर को भी करती है दोनों तरफ उसको बैलेंस रखना पड़ता है क्योंकि आप सारा दिन थक के आओ फिर रात को आकर खाने का ये और स्पेशली हस्बैंड घर का खाना दो किसी मासी मेट के हाथ का नहीं मुझे ये मीडिया में बहुत मशहूर है बात कि फरीदा आपा का खाना ओ माशाल्लाह तो इसको कैसे मैनेज किया और किस तरह चले हाँ सही आपने सवाल किया मैनेज तो खैर क्या करना था खाना इस बनाती थी अच्छा लेकिन मजीद अच्छा इसलिए बनाती हूँ शबीर खाने के शौकीन है अब आप उनकी सेहत से देख ही रहे दूसरी बात ये कि वो इतना अब हम दोनों काम करते हैं और हमारा एक बिजनेस भी है तो उसमें उन्हें इतना ज्यादा नहीं करते वो कि तुम ही बनाओ ऐसा नहीं है अब नहीं क्योंकि काम करते हैं तब था और उनको मतलब बहुत पसंद है खाना ना खाना खाते हैं वो इसीलिए मैं उनको कहती हूँ ना खाएं कुछ नहीं करें फाके करें दुबले वो खाना खाते हैं माशाल्लाह क्या अच्छा ज्यादा बनाती थी कि बस ये चीज बनाओ तुम फरीदा ये मैं आऊं तो ये होना चाहिए हाँ बस मतलब उन्हें गोश्त की कढ़ाई और बीफ की बिरयानी ओए जबरदस्त बिरयानी तो वैसे भी सबकी और बीफ की बिरयानी बहुत अच्छी बनती है हाँ तो वो कहते हैं ये क्या बना लिया चिकन इसको बैलेंस करना हाँ ये हर किसी को नहीं पता कि बड़े के पाए बड़े का बिरयानी बड़े के बड़े शामी कबाब ये चीज होती है इससे आपको भी अंदाजा हुआ होगा कि आप लगाओ है सर लगाओ है तो लगाओ पे याद आई हमारे पास हमारी कुक है वो भी बहुत अच्छा बनाती है और मैं बड़े शौक से शेफ खुशबू आ रही है चला ना खुशबू आ रही है उनके सामान जब बैग से निकला है ना तो वो अपनी खुशबू बिखेरता जा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम आप दा की आयो मजे सा अस्सलाम सारा दा की आयो ठीक है आऊं तो फर्स्ट क्लास पे आई मां जने हे ठी बुधो ना त मैडम साहिबा एकदम त माखे डाडी खुशी थी मानन जो प्राइवेट चैनल्स ते नन जा ड्रामा हलना त मां हाने नालो त नथी खणा पर ओए भी नन जा दिसा पई आई मां के तमाम सुठियो लगंदियो ना जल्दी सा असा ब्रेक में तस्वीर भी इकड़ी कढराई वडी न ते असा के वक्त न मिले तो बहरहाल अज की रेसिपीज जैसे बुधाया तो अज भी असो सैंडविच ही था अच्छा है सैंडविच हाँ उन गड स्वीट कैना पीस भी आ रही है जो अभी हमने ब्रेक में बहुत जरूरी है मैंने कहा क्या तो उन्होंने दिखाया कि मैं ये कर रही हूँ हाँ आई जी स्वीट कैना पीस ये तमाम सिंपल आन मां चॉकलेटी बिस्किट वतान इन जे मथे मां थोड़ो जैम हणंदम आई उन खां पोए फ्रूट जा स्लाइसेस आन सिंपली इन में क्रीम भी हणी सगो ता मां जैम इन में इस्तेमाल कंदम चेरीज आन आई केलो आहे इन सा गड सूफ आन इन के बस इकड़ी खूबसूरती सा असा अरेंज कंदासे जेको इकड़ो जेको आसो बाइट साइज असा जा स्वीट कैना पीस थी ना बाइट वारो कम वा जो कंदी है ना इकड़ो बाइट खयो आई वात में तो को कटा कुटी कोन थी थे हां तो सही कह रही है इतनी स्मार्टनेस तभी रहेगी हाँ। थोड़ा इतना अच्छा बस देख के खुश हो जाओ वाह वाह क्या भाई क्या इसने इन्होंने सजाया है उसको बहुत मजे का है ना बिल्कुल ऐसा ही है
फिर उसको दिल भी नहीं चाहता कि आप बिगाड़े, है ना। जब मैं बनाती हूँ तो बच्चे इधर उधर से या शबीर ले रहे होते हैं, आराम से साइड से, हम नहीं खाते भाई, हम नहीं खाते। बनाने वाले की होती है कि आप जो है ना वो उसको रिप्रेजेंट ऐसा करें कि वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो तो फिर खाने में भी अच्छा, और उठाने का तरीका भी कुछ ऐसा। तो बच्चे और शबीर तो कहते हैं रख दो इसको सजा वाला काम है। हम नहीं नहीं वो कहते हैं हटा दो, बस जब नहीं खाना इस तरह खाना है तो हटाओ। हाँ? तो एक फिल्म की याद दिला दी कि जब खाना बड़ा तो कूद पड़े। खाना तो वो निकाल, अरे भाई तमीज से निकालो, नहीं नहीं खाना क्या अपने घर में खा रहे हैं, नहीं तो तुम हटा दो, बनाया क्यों है। ये बात तो है। अच्छा वो यू आर डैडी सुठी गाल परफेक्शन जे की हुंदी आ वा करी करी इंसान के मुझाए छडींदी आ छो असा चाहिंदा आयु त हर शे परफेक्ट हुजे, पर वही घर जे गाल जुराब होडा, हां जी शूज हेडा, यूनिफॉर्म हेडा, बैग होडा, मम्मी ही कोन तो मिले, मम्मी हो कोने, हां सुबह सान स्पेशल जी यो सिस्टम बता के गुजारन पे। अच्छा मीडिया में माशाल्लाह एतरो अरसो थियो आ ता के पेरी जे शोबे में ता या मेकअप में पोरी काशे सुठी काशे बुरी छा लगी ता के हते क्या अच्छी बात क्या हाँ। बोला मैं समझती हूँ कि खुद से अच्छा होना चाहिए। जब आप खुद से अच्छे हैं तो सामने वाले सब अच्छे होते हैं। ये बात बड़ी सुठी गा, मतलब आप हम अच्छे से रहे। अभी आपके मियाँ लगा रही है उसकी तारीफ़ कर रहे थे शबीर की, हम बैठे थे तो ये सब चीज़ें के अखलाक अच्छा है, सब है, आप लोग का इतना अच्छा है, एक ज़माने से हमारे साथ चल रहे हैं तो हम लोग सब एक दूसरे से अच्छे हैं तो ना। हाँ, ये होता तो है। हर अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, हर फील्ड में, टीवी की और इसकी बात नहीं है, अच्छे बुरे लोग सब जगह है। ये होता है तो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे हैं, पान छाए हो बस। तो अच्छी बुरी बात कोई ऐसी नहीं होती, अगर होता भी है कुछ तो अब तो उम्र के हम इस हिस्से में कि उसे मैनेज करना है। मैनेज करना। अच्छा मैनेज पे मुझे जहन में आई बात कि एक एज होती है कहते हैं कि बंदे को अक्ल आ जाती है, मेरी मेरी सोच है ना कि जो है आपको अगर अकल आती है तो एक टीन एज में आ जाती है। हाँ, अगर नहीं आती तो 40 साल के बाद भी नहीं आती। हाँ, नहीं नहीं ये मैं अपने मियाँ के लिए बात कहूंगी जरूर। हाँ, 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 बताइए शेयर कीजिए शबीर भाई ये प्रोग्राम देखिएगा। तो वो माशाल्लाह उन्हें अकल आई, अकल तो थी, देखे अकल थी तो मुझसे शादी की ना। क्या बात है, है ना? क्या लेकिन बात? उसके बाद उसको फिर मेंटेन रखा, मैनेज रखा, माशाल्लाह 23 साल हो रहे हमारी शादी को, तो अभी अल्लाह मियाँ परवरदिगार और चलाए, वो अपनी दोनों फैमिलियों को लेकर चले। तो ये अक्लमंद थे और नहीं थे तो थोड़ी बहुत मैं देती रही, तो वो हुए ना 20-22 साल के बाद एक मैच्योर आदमी हुए। मैच्योर आदमी हुए वही बात वही बात ना कि छोटी एज से ही वो मैच्योर हो जाता है। अगर जिसको अक्ल नहीं है तो बड़ा भी हो जाए नहीं आती। हाँ बस ये है कि लेकिन कभी 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 हो जाता है कोई इंसिडेंट किसी के साथ, वो भी अक्ल सिखाता है, वो भी सिखाता है। कहते ना कभी दुआएं मांगते रहा करो जी, क्योंकि दुआएं कभी भी क्या पता आपके नसीब में लिखा हुआ हो कि ये दुआ मांगोगे तो ये काम हो जाएगा। जी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हम मांग रहे होते हैं नहीं, क्योंकि वो मालिक जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या, क्या बेहतर है और क्या सही क्या, तो इसलिए उसने टाइम रखा होता है। बिल्कुल। तो हमारा भी एक टाइम था, मेरे परवरदिगार ने शबीर से मुझे बच्चे दिए। हाँ, तो जाहिर है मैं वो टाइम था मेरे लिए, ये वाला टाइम था, वो वाला टाइम नहीं था, परवरदिगार ने देने थे ना, उसे पता था कि मुझे कब देना है, वो बेहतर जानता है। अच्छा आपकी बहुत तारीफ सुनी है इस चीज़ में कि आपने अभी दो फैमिलियों की जिक्र किया कि आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, और एक मर्द के लिए कहते हैं ये दो कश्तियों में सवार होने वाली बात होती है, और उसको मैं ये बात ना करूँ ये मेरे लिए लगेगा कि मैंने एक गलती कर ली कि मैंने सवाल नहीं किया। नहीं, नहीं। क्योंकि आप माशाल्लाह जिस तरीके से चली हैं हर एक छोटे बड़े की जुबान पे, जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको भी पता चल रहा है कि आपा फरीदा इतना अच्छा मैनेज करती हुई आई हैं उस फैमिली को भी और यहाँ भी, कि शबीर भाई ये हमेशा रिलैक्स रहे कि मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि मर्द को दो कश्तियों में सवार बन जब चलता है तो बड़ा टेंशन होता है। ठीक है, इस मामले में वो बड़े लकी हैं। मैं कहती हूँ कि एक बंदा, मैं खुद बजाते खुद की जिंदगी में शादी करना है जुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं ना, लग गया तो जीत गए और ना लगा तो हार गए। मैं समझती हूँ शबीर भाई बड़े लकी हैं कि उन्होंने पहली बार भी जुआ खेला तो जीत गए, दूसरी बार जुआ खेला तो भी जीत गए माशाल्लाह, और दूसरी बार ऐसे जीते जीतते ही चले गए, है ना। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा दोस्तियां भी हैं माशाल्लाह मीडिया में आपकी,
सबसे रखती हूँ, जवेरिया से मैंने बहुत सुना है माशाल्लाह बहुत अच्छा, और खुद भी बहुत अच्छी जी है वो जवेरिया, लेकिन उसके अलावा भी किसी और से जी बहुत ज्यादा रुबीना से है, रुबीना अशरफ मेरी जब से चली आ रही है, शगुफ्ता एजाज से है, सबसे है बुशरा अंसारी से, सबसे हमारी दोस्ती आ रही, सबसे हम सब मिलते हैं हमारी सीनियर, हाँ सब जाहिर है जबरदस्त, इन लोगों से मिलते हैं तो सीखने को भी मिलता है, ये सब लोग भी माशाल्लाह अपने घर को इतना अच्छा मैनेज करते हैं। और दूसरी फैमिली के लिए देखें मसला ये होता है कि जब आपको मालूम होता है कि ये मर्द मैरिड है और इसके बच्चे हैं, तो आपको पता है ना पहले से, तो आप ना या तो आप, या नहीं नहीं या तो आप करें ना, हाँ। अगर आप करें तो फिर उसको मैनेज करें और देखें, अगर वो आपको उनके लिए मतलब उनको छोड़ के आपसे शादी कर सकता है, हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आपको छोड़ के किसी कहीं और भी जा सकता है, इसलिए उसको तरीके से रखें, ये नहीं है कि मतलब मैं भी जाहिर औरत है, अगर किसी सरकमस्टांसेस की वजह से हो जाती है बोल, तो पहली बात तो मैं ये सबको कहूंगी आपके प्रोग्राम के थ्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर कोई सफर करता है, क्या जरूरत है किसी के घर में हाँ घुसने की और बहुत सारी चीजों की, लेकिन खैर जब हो जाए तो उसे कोई भी काम जब हो जाए तो उसे तरीके से मैनेज करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और उसमें हस्बैंड का हाथ ज्यादा होता है, बीवी का तो होता है, मेरे मियां का भी ज्यादा होता है मिलके हाँ। गाड़ी के दो पहिए तो उन्होंने भी मतलब मुझे कहा कि ये है और ये भी है, ये हूँ तो हमने उसको मैनेज किया, आज तक करें और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा आपका तो बड़ा हाथ है माशाल्लाह से उन बच्चों में, आपके बच्चों में उस मदर का कितना हाथ है? नहीं वो इसलिए नहीं है कि मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी बच्चों की ना, हाँ। तो जैसे वो तो माशाल्लाह बड़े थे, माशाल्लाह समझदार थे, वो ऐसे थे कि उनसे बात करो तो वो समझते थे, टॉकेटिव थे, मैं तो उनके सामने तो पैदा हुए, मेरा घर अलग है उनका, हाँ, उनका घर तो अलग, और मुझे इतनी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ को नहीं देती थी बच्चे, तो मैं किसी और को अपने कलेजे से लगा के रखती थी हर वक्त, मैंने इस दौरान बहुत कम काम किया है टीवी पर, प्राइवेट प्रोडक्शन, घर को टाइम दिया, बच्चों को टाइम दिया, तो अब माशाल्लाह दोनों बच्चे बड़े हो गए, बच्चा मेरा 20 साल का है, बेटी मेरी 18 साल की है, तो अब मैं काम करती हूँ, और हाँ, क्योंकि अब क्योंकि बड़े हो गए, उस वक्त मैं उनके साथ थी, तो अब उन किसी और को क्या, बाप को भी, शबीर तो खुद ही उनमें घुसते थे, मैं तो अपने साथ हर वक्त लगा के रखती थी। हाय माशाल्लाह। अच्छा उनका भी इस फील्ड में आने का इरादा है या नहीं? वो जी बेटी मेरी कर रही है। अच्छा स्टार्ट अभी लिया है थोड़ा। अच्छा माशाल्लाह से ऑन ईयर हो रहा है अभी प्रोग्राम में होगा? जी जी एक हम चैनल हमारा है उसमें, वो भी आपा सुल्ताना सिद्दीकी जो हमारे आपकी टीवी की बेहतरीन सर, वो उनका भी बड़ा माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त खातून निकालने में उनका, उनकी बहुओं का तो वो उनका एक सीओ बसाला वाडी इज्जत जी गाला तकड़ी सिंधी खातून एडो सुठो चैनल हलाइन थी, सो उन्हनि खे बि वधायूं, अला उन्हनि खे बि कामयाब करे, उन्हनि खे बि दुआऊं चइजो, जे असां जो सेगमेंट स्टार्ट ही जेको दुआऊं, सो सभिनी खे दुआऊं, हां बिल्कुल बेशक, छो जो चवंदा आहिनि जेको ॾींदो सो वठंदो, सो दुआऊं ॾियो वराए ताके वापस दुआओं अचे, आप किसी के लिए करेंगे, आप मैं आपके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह ताला हमारे लिए, वो कहते हैं दूसरे के लिए आसानियां पैदा करो तो खुद आसानियां हो, और ये आपका प्रोग्राम मेरे ख्याल से इसी तरह का है, इसलिए देखें कितनी बरकत हो रही है और इतना अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, हमारा दिल हुआ कि हम भी आए, ये तो मुझे लाउन यार दाढ़ी सुठी गाल, दाढ़ी खुशी गाल, मुझे पूरी टीम ला दाढ़ी सुठी गाल, छो जे आप फरीदा अगर तारीफ करे तो छा खपे, सो आज मुझे ख्याल से बन गया, हाँ अठाई हुआ, अच्छा आ गया आया थी, हाँ चलो बुधायो मल्टी ग्रेन ब्रेड आ जेका अजमा यूज थी क्या, थोड़ी हार्ड होंदी है पर इन में तमाम ग्रेन्स हुंदा हैं ना, इन में सीड्स हुंदा हैं, तो ये तमाम हेल्दी ब्रेड आ, तो बहरहाल इन के मां सेंटर मां कट कयो आ, इन खां पो जेके वेरिएशंस इन से त बेहिसाब आहिन, मां इन में मेयोनीज ऐड कयो आ ताकि इन में थोड़ी सॉफ्टनेस अचे, इन में असा चीज जा स्लाइसेस ऐड कंदा से, चीज मु डिठो बे परेगा, हां इन सा कर इन में टमाटो आ आई खीरो वा इन सा गड जेके चिकन ब्रेस्ट फ्लेज आहिन हे मां इन में शामिल कंदम, इन के ठाण जो तरीको तमाम इजी आ, ता के ब्रेस्ट फ्लेज कट करना आहिन, लूण कारा मिर्च थूम ता खबर आ मसाला न कनिया, हां हे मां थोड़ा फ्लैटन कियो आई हुन खां पोए ता इन में ब्रेड क्रम्स आई बेदो जे कने बेदे सा के के एलर्जी आ तो उन के ता ओमिट कियो आई उन खां पोए ता ब्रेड क्रम्स में इन के कोट करे इन के फ्राई कियो माने थोड़ो उन के चेस्ट पीस के थोड़ो ब्रेस्ट फ्लेज असां ओपन सैंडविच रखंदासीं जीअं ॾिसण में बि टेम्पटिंग लॻे खूबसूरत लॻे
ट्रांसफर कंदासीं कंहिं ॿिए प्लेटर ते ऐं हिन में मां अनार जा दाणा ऐं हिन सां गॾु जेको आहे सो केले जा स्लाइसिस एड कया आहिनि ऐं चॉकलेटी बिस्किट आहे तव्हां नमकीन बिस्किट वठी सघो था ऐं नमकीन ऐं मिठे जो बि कॉम्बिनेशन तमामु सुठो रहंदो आहे ऐं बिस्किट्स नंढड़ा हूंदा त सुठी ॻाल्हि आहे त जीअं बाइट साइज़ हुजनि नंढड़ा हुजनि खाइण खां पोइ अक्सर दिलि चाहींदी आहे त कुझु मिठो हुजे पर घणो बि न हुजे हेल्दी बि हुजे त हे फ्रूट्स तमामु बहितरीन मिठा हूंदा आहिनि उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके मिठे की जंहिंखे तमामु घणी क्रेविंग थी थिए जीअं मूंखे बि थींदी आहे त तव्हां बनाना वठो हुन में नेचुरल स्वीटनेस आहे तव्हां हुन सां हेल्दी बि रहंदव हिकिड़ी क्रेविंग बि ख़तमु थींदी मिठे जी क्रेविंग इलाही थींदी आहे इलाही थींदी आहे अमलोग एॾा कोई मिठा आया आहे उहे तव्हां खाई सघो था हुन सां बि क्रेविंग हिकिड़ी ख़तमु थींदी आहे मिठे जी असां न जेके मिठे जा शौक़ीन माण्हू बहुत नरम सा होता है बहुत सख़्त होता है तो मैं कहती हूँ थोड़ा सख्त वाला खाऊं बड़ा मजा आता है मुझे और मेरी अम्मा जो है वो कहती थी कि नरम खाऊं अच्छा माँ के नरम खाऊं अच्छा हाँ मुख्य वरी थोड़ा सख्त वणंदा आहिनि अच्छा अॼुकल्ह फ्रूट्स हिन वक़्तु सीज़न में तमामु घणा न आहिनि पर अमलोग आहिनि अनार आहिनि ऐं केला त सॼो साल ई हूंदा आहिनि अवेलेबल त हे तव्हां इस्तेमालु में पिया हलंदा रहंदा आहिनि ख़बर ई कोन पवंदी आहे त मौसम कहिड़ो आहे बिल्कुलु अगरि ॼाण न हुजे त त हे तव्हां इस्तेमालु करे सघो था एज़ अ स्वीटनर खाधे खां पोइ बि हिनखे यूज़ कयो त जीअं असांजो वेट बि न वधे ऐं असां केतिरो आख़िर बर्दाश्त कंदासीं जेकॾहिं असांखे मिठो पसंदि आहे त बिल्कुलु सही था चओ पर चीटिंग डे आहे न यार सारा दिन हां एक दिन कर सकते हैं ना चीटिंग असां त रोज़ ई चीटिंग डे आहे प्रोग्राम होता है बनता है बिल्कुलु इहो ई आहे बसि पंहिंजी पसंदि जी वेजिटेबल्स एड कयो जेके तव्हांखे तव्हांजे घर वारनि खे सुठी लॻंदी हुजे जेकॾहिं ॿारनि खे नाहे खीरो पसंदि टमाटो नाहे पसंदि ओमिट कयो ऐं उहा ठाहियो जीअं घर वारा पसंदि कनि बसि ज़बरदस्त ज़बरदस्त आप फरीदा आप जब आई माशाल्लाह आपने अच्छा ड्रामा किया पहला ही ड्रामा माशाल्लाह इतना था कि यूँ लग रहा था कि नापा से आप कोई सीख के फिर आ गई हैं माशाल्लाह इतना अच्छा किया लेकिन कभी इस दौरान काम करते हुए कभी किसी की डांट पड़ी जी काजिम साहब की काजिम पाशा काजिम पाशा एक दफ़ा वो काजिम तो वो पाशा। बहुत बड़ा इदारा है खुद भी और एक दफ़ा है एक दो दफ़ा ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने सीखा यहीं से हाँ, माशाल्लाह ठीक है ना और वो काम एक प्राइवेट था एक कैमरे का समझें आप यहाँ हमारा स्कूल था तो वो तो हमने जो भी था पुलिस का बैठा हो चलो तलाशी लो इसकी ये करो रेट किया ये किया लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है दूसरा प्ले थे तो कुछ माँ के करेक्टर थे कुछ वैसे थे बहन के थे और कॉमेडी भी की मैंने कासिम जलाली के साथ सच्चे में अनवर मकसूद के प्ले थे लेकिन उसमें ये था कि डांट पड़ी इकबाल लतीफ़ साहब ने डांटा और काजिम साहब तो बहुत ही डांटते थे जब भी गाढ़ा नहीं बोलो सीधा बोलो ये करो माशाल्लाह उनकी उर्दू खुद भी हाँ तो इसलिए यहाँ से सीखा जी यहाँ से डांट पड़ी ऐसा नहीं और डांट पड़ना चाहिए अच्छा सिटकॉम्स भी किए मतलब मज़ा आया भी और वो तो किस में ज़्यादा मज़ा आया मुझे वैसे जो आता है मज़ा आया में है ना अच्छा मैं खुद भी ये कहती हूँ वो ये होता है जो हम खुद है ना हाँ, वो रिप्रेजेंट कर देते हैं हाँ, उसमें थोड़ा सीरियस होना पड़ता है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है नहीं हाँ, तो अभी हम सेट पे अभी भी प्राइवेट करते हैं सेट पे हंस रहे बोल रहे होते हैं उस वक्त जाके फिर आगे जाके सीरियस रोना धोना है ये करना हाल है क्यों तो वो हमें अजीब सा ही लगता है हमारी तबीयत ऐसी है ना मुझे तो कॉमेडी पसंद अच्छा, है लोग कहते हैं कॉमेडी करना मुश्किल है क्योंकि अमून में लोगों का मैं मुझे मजा हमेशा आया उसमें ज्यादा मजा एक हमने मॉर्निंग का किया था ख्याल से मंजूर कुरैशी थे उसमें काजी साहब थे हमारे बहुत बड़ा हाँ तो वो भी कॉमेडी था उसमें खालिद अनम थे मैं थी तो बड़ा मज़ा आता था यहाँ सब हंसते बोलते थे और कॉमेडी करने का मज़ा आता था यहाँ खुल के करते थे ना बड़े बड़े स्टूडियो ठंडी ठंडी जगह और अभी भी मतलब मुझे अगर कोई कहे तो मैं कॉमेडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कॉमेडी में ज़बरदस्त बहुत अच्छा अच्छा शब्बीर भाई टाइम इस तरह देते कि जब लोग निकलते हैं छुट्टियाँ हैं बच्चों को लेकर निकलते हैं घूमते हैं फिरते हैं इस तरह वो खुद भी वैसे उनके पास टाइम नहीं नहीं शौकीन तो वो बहुत है टाइम बहुत कम होता है माशाल्लाह से हाँ अब जब से ये प्राइवेट प्रोडक्शन है डे बाय डे काम ही होता है मेरी ख्याल से बहुत अच्छा है हम लोग बिजी रहते हैं टेंशन नहीं रहती हाँ ये और है ना एक टाइम अब सब बड़े आर्टिस्टों ने विद शब्बीर सब मिलाकर ये किया है कि एक संडे ऑफ करते हैं वरना पहले तो संडे भी नहीं होता ये बहुत अच्छा ये बहुत तो संडे एक होता है और उसमें बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों के पर्सनल लेकिन ये कि जब भी टाइम होता है तो जरूर फैमिली को देते हैं ट्रैवलिंग कितनी की जी ट्रैवलिंग बहुत की हाँ, मजा आता है
हाँ आता है मजा, लेकिन बस थोड़ा इतना नहीं है कि आप ज्यादा अपने घर से दूर 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपको घर याद रहे। एग्जैक्टली, इससे बढ़कर नहीं, नहीं कहीं भी आउट ऑफ सिटी जाएं, हाँ, कहीं या आउट ऑफ कंट्री जाएं, बस वो एक ऐसे। लेकिन शौक बहुत है, हम अभी भी जा ही रहे तो वो तो इस प्रोग्राम में आ गए, वरना शब्बीर भी जरूर साथ आते, तो बस उनकी तैयारी है, हम लोग जा रहे हैं, जाना आना लगा रहता है। हाँ ये तो है, एक तो रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, फिर अपनी वेकेशन बच्चों के साथ, या पढ़ाई के सिलसिले में उनके बाहर जाना है, हाँ। या कुछ और है तो मेरी बहन बाहर है, तो बहाने ऐसे चलते रहते हैं जाने आने के। अच्छा सैलून है, लोग तो अपना सैलून लेडीज जो खोलती है, माशाल्लाह आप भी मेकअप आर्टिस्ट थे, फिर भी सैलून जेंट्स वाला खोला, ये क्या बात है? बस ये मैंने आपको बताई ना अभी बात कि मैं तो काम करती थी, जब फिर अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा तो उससे पहले ही तकरीबन, क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट, तो मैंने तकरीबन सब काम वाइंड अप कर दिए थे, वाइंड अप किए तो बस वाइंड अप ही हो गए, फिर ना मैं लोकेशन पे जाके मेकअप करती थी, ना सैलून, सब चीज़ें और एक्टिंग भी। तो उसके बाद जाहिर है मैं और शब्बीर बैठे, हमने कहा कुछ काम भी है, उस वक्त तो इतनी प्राइवेट प्रोडक्शंस थी नहीं थी, लाभ ये रोजी रोटी तो चलनी है। की, हाँ। तो फिर हमने कहा कि हम एक सैलून करते हैं, तो उनका करो। अच्छा, सैलून आपने नहीं खोला, मतलब लेडीज का? मैंने उन्हें कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, बड़ा सैलून है, मुझे बच्चे देखने, तो आप अपने नाम से करें, आप करें, यहाँ बहुत सारे सैलून हैं, आप यहाँ पे मैन करें। KDA मार्केट गुलशन इकबाल में हमारा है, तो वहाँ पर बहुत सारे लेडीज सैलून हैं, सारे हैं, तो उसमें हमने एक मैन खोला, अल्लाह का शुक्र है 15 साल हो गए माशाल्लाह। उसके बाद हमने किए इधर उधर, कुछ कोविड की नज़र हो गए, कुछ ऐसे हो गया, लेकिन हमारा ये 15 साल से है, और अल्लाह ने रोटी रोजी का जरिया बस अल्लाह ने बना के रखा हुआ, कहते हैं नियत साफ तब मंजिल आसान। तो मैंने कहा आप करें, तो शब्बीर ने कहा मैं एक्टिंग करता हूँ ये वो, फिर अब हम बाहर बार जाते हैं तो कुछ वो मैनेज कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं वो, हाँ। कुछ कोर्स कर लेते हैं, तो सुपरविजन के लिए उनकी काफ़ी होता है, बहुत काफ़ी होता है, जबरदस्त। अच्छा जब ये मेल का है तो हम मेरे ख्याल से फिर मेल का ही सवाल करते हैं, इस वक्त जो है मेल्स क्या मतलब किस लिए ज्यादा आते हैं, फेशियल भी है, मेकअप भी, आईब्रोज भी बहुत बनवाते हैं? हाँ, नहीं तो, मैं एक बात जरूर क्लियर करूं कि पहले हमारा ऐसे था कि नीचे जेंट्स था, ऊपर लेडीज, हाँ, था, तो अब हमने छोटे से एक रूम में नीचे किया, बस समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन एम्फसाइज जो है ज्यादा, जो हम उसको फोकस करते हैं वो मैन को करते हैं, क्योंकि पहले मैन ही था, तो क्योंकि वहाँ और अब ये थोड़ा मतलब लेडीज कर लिया, हाँ, तो एक छोटा सा रूम में नीचे किया हुआ, लेकिन ज्यादा आप सही कह रही हैं, हाँ मैन आते हैं फेशियल के लिए, ग्रूम बनते हैं, उनका फेशियल होता है, वो वहीं शावर लेते हैं, उनकी दाढ़ी आड़ी बनानी होती है, मैनीपेडी होता है, सब सब अब तो सब कराते हैं, और अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए, खूबसूरत, साफ सुथरा जरूर लगना चाहिए ना, मतलब उनका मैनीपेडी होता है, पहले जेंट्स को पता ही नहीं था, नहीं। अब बच्चे लड़के बड़े दूल्हा कराते हैं तो साफ सुथरे होते हैं, हाथ व तस्वीरें उतरती हैं, तो सब अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। मजे की बात है, वो कहते थे ना जो रात को दुल्हन देखते हैं फिर सुबह कहते हैं ये वाली वो नहीं, मर्द का कोई टेंशन नहीं था, जैसे थे बेचारा वो उठा के बैठ जाता था कि मैंने साबुन से मुंह धो लिया अब मुझे बैठा दो, मुझे शादी करनी। अब भी ऐसा ही है, बहुत कम कराते हैं, कोई थोड़ा बहुत लगाया बेस, उनको मेकअप तो कर नहीं सकते ना कि उनका आई मेकअप कर दिया, उनको लैशेस लगा दी, लेकिन पहले फेशियल भी नहीं, पहले फेशियल मैनीपेडी भी, मैनीपेडी और बालों आप दिखाते हैं पहले की, देखें हमारे अम्मी अब्बू की बाल यूं है, दुल्हन को यूं से बिल्कुल, तो अब तो अच्छा लगता है, बच्चों को दिखाते हैं कि भाई ये देखें अम्मी अब्बू की तस्वीरें, तो बच्चे फील अच्छा करते हैं। अच्छा इतनी आर्टिस्ट आ रही है माशाल्लाह, आप सीनियर्स में से हैं, और जो न्यू जनरेशन जिसमें मर्द भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो आपको किससे आप इंस्पायर हैं कि इसकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है? सब अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ अच्छा काम सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं आर्टिस्ट, मतलब मैं तो कभी कभी उनके साथ बैठ के हैरान होती हूँ, इतने अच्छे सारे लोग हैं माशाल्लाह कि वो इतना तवज्जो से काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और वो वैसे भी हैं कि उन्होंने PTV भी ज्वाइन नहीं किया लेकिन अच्छा कर रहे हैं। अब जैसे सबा कमर बहुत अच्छा करती हैं, सोनिया हुसैन बेहतरीन करती हैं, ये सब लोग वैसे पर्सनली भी इतने अच्छे हैं, पर्सनल, हाँ तो वो फिर निकल कर आती है, एक्टिंग भी अच्छी। बात तो सच है कि अच्छा मैंने एक चीज़ फील की
है कि हमारे सीनियर्स में वो प्यार, वो अपनाइयत बहुत है। आप अगर नए आ रहे हो तो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा समझाने में। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया था हुमा नवाब के साथ, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने मुझे बड़ा, मतलब दूर से मैं लाइंस भूल रही थी तो मुझे दूर से इशारा करिए, ये बोलो ये बोलो, तो मैं उनको हैरान हो रही हूँ, फिर मुझे फील हुआ कि वो मुझे समझा रही है। तो वो जो अपनाइयत तो होती है ना सीनियर्स की, वो उनकी ठपकी जो है ना पीछे से, कर लोगी जी, ऐसा ही ऐसा, ये चीज़ बढ़िया है। और हमें देखें बहुत दफ़ा बच्चे पूछते हैं और बताते हैं, अच्छी बात है, और कुछ बच्चे माइंड भी नहीं करते, लेकिन हमें ये होता है कि अगर वो पढ़ रहे होते हैं, लाइंस कर रहे होते हैं किसी के भी साथ, तो ज़रा सी भी गलत उर्दू बोलते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी हम लोग करेक्ट करते हैं, हमें वो बातें हजम नहीं होती, हजम नहीं होती कि ये गलत जाएगा ऑन एयर, ये गलत उर्दू बोल रही है, ये है, सही करना चाहिए। और वैसे भी सीनियर्स की कहते हैं ना, आप सीनियर्स की सुनोगे तो कल आपकी भी कोई सुनेगा। बच्चे तो अच्छे सारे हैं, माशाल्लाह सब काम कर रहे हैं, और जाहिर है अच्छा काम कर रहे हैं तो बुलाते हैं लोग, सही बात ये है बस। लेकिन ये जो कुछ मंजे हुए लोग हैं वो तो हैं मंजे, वो तो है, वो तो वही है, वही लेजेंड्स हैं हमारे, वही रहेंगे बिल्कुल। अच्छा, इतने आपने ड्रामे किए माशाल्लाह से, कोई और ड्रामा ऐसा जो अभी तक याद है कि ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा अपना? ये मुझे अभी गया मेरा, वैसे तो और भी गए हैं, लेकिन ये वाला जो अभी हमारा हमी टीवी का दोबारा, इसमें हदीका ने बड़ा अच्छा काम किया, और माशाल्लाह से हदीका है, आतिफ असलम है, ये बैक हुए हैं। बैक क्या हुए, यूं कहें कि गाने से यहाँ पर आए, एक्टिंग में आ गए, एक्टिंग में, और बहुत अच्छी एक्टिंग कर, बहुत अच्छी एक्टिंग कर, आतिफ ने भी बहुत अच्छी की, हदीका ने भी हमारे साथ एज अ पर्सन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ड्रामा मुझे अच्छा लगा। और सारे आर्टिस्ट सामने के, बिलाल अब्बास, हदीका, तो वो शबीर उनकी वाइफ ही बनी थी मैं, तो इतना मजा आया काम, मजा आ रहा था। अच्छा, कभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ, अभी तो आप यूज टू हो गए, लेकिन स्टार्ट था और हस्बैंड वाइफ, आपको पता है ये मेरे हस्बैंड हैं और उनको भी पता है, उसके बाद काम करने में थोड़ी कभी नहीं, कभी भी नहीं हुई, पहले होती थी, वही पूछ रही, पहले फर्स्ट टाइम नहीं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, बस उसके बाद तो मुझे बिल्कुल शबीर से डर लगता था, घर में करती हूं मैं कुछ निकाल लूं बड़ा से, हां बस ऐसे, पहले डर लगता था, पहले लगता था कि भाई हमारे सीनियर हैं, कुछ बुरा ना हो जाए, उसके बाद नहीं, उसके बाद जब से मैं बीवी बनी हूं बेचारे वो डरते, सीनियर हो गई वो डरते, बहुत जबरदस्त आओ सामान खड़ा भाई ता समझी रहा हूं दाने अच्छी बनियो, अच्छी बनियो मैदान पे। अच्छा, आप हमारे प्रोग्राम में आई माशाल्लाह से, पीटीवी नेशनल पे तो कभी मॉर्निंग शो हुआ नहीं, जी जी ठीक है ना, पहली दफ़ा और इस तरीके से तो अच्छा, मुझे बताया कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ बैठी हुई जब वेट कर रही थी अपना, तब भी मुझे अच्छा लगा, बैक स्टेज भी मैंने आपकी भी तारीफ की, मॉर्निंग शो की भी की, और बात की पूछा, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी इसको खाने को दिल नहीं चाह रहा इसकी पिक्चर्स हो जाए फिर इसकी कटिंग करेंगे, आप ट्राई कीजिएगा बिल्कुल। तो आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह मियां ऐसे और तरक्की दे, ऐसी बात नहीं है, और देखिए कितना अच्छा है ना कि आप मुझसे सिंधी बोल रही हैं, मुझे समझ आ रही है, अगर मैं बोल नहीं रही तो आपको समझा रही हूँ, आप मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप उर्दू बोल रही हैं, सब सारी लैंग्वेज है जैसे पाकिस्तान में है, पूरी कोशिश करते हैं सभी लोग हैं ना यहाँ, ये सब जो गुलदस्तों युवा जो पाकिस्तान है और क्या, ठीक है, सब बोलियों मिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल, इन्हन गुलन में, इन्हन पत्तन में, सावन में, अगर रंग बिरंगी गुल न पया तो इन्हन पत्तन का कीमत ही कोन रहंदी, इन्हनि खे सुहिणो ठाहिण लाइ असांजी ॿोलियूं आहिनि। सो तव्हांखे चखाराईंदासीं, ऐं हू त बाइट जो आहे, छो जो असां इहे तस्वीरूं कढंदासीं त बल्कि कढी छॾियूं आहिनि हाणे, तव्हां भले ई थोरो स्टार्ट करे छॾियो, अच्छा फरीदा बि चयो थी त आऊं सायरा वांगुरु पोइ मज़े सां, असां स्टाइल में ख़राब आहे, स्टाइल में हाणे ॾियो भई लिपस्टिक में पिस्टिक लॻाई आहे, अभी लाइव शो चल रहा है, लाइव शो चल रहा है, म्यूजिक म्यूजिक का दिलचस्पी है जी बिल्कुल, हां वो शबीर भाई की आवाज, हां हां बिल्कुल, अरे की है थोड़ा बुधाए, बहुत सारे का मेरे लिए भी गाते हैं, हाँ। वैसे भी वो अच्छे सिंगर है, गाते हैं, हां उन्हें कैसा सनीना थी पूछना सी, बहुत अच्छे पाकिस्तानी गाने गाते हैं, कहां कहां अच्छा की राजी कदा है उन्हें के नहीं राजी बाजी तो राजी तो मैं ही करती हूँ, अच्छा, उन्हें आता कैसे कैसे गाना गाके, नहीं गाना वाना नहीं गाती मैं, वो गाना गाते हैं, वो अच्छा गाते हैं, और वैसे किसी जगह भी हम किसी महफिल में होते हैं अपने दोस्तों के तो वो गाना गाते हैं, मतलब वाकई इन मुंह इकड़वा मुने की आवाज बुधी, वाकई माशाल्लाह डाडो, जैसे माशाल्लाह बुशरान सारी हैं, बुशरान सारी तो क्या गाना गाती है, मल्टी टैलेंटेड, तो वो क्या गाती हैं गाना, तो बहुत बेहतरीन, मुझे इतना अच्छा लगता है उनका गाना,
तो इस तरह से मतलब उन जैसा तो नहीं गाते लेकिन शब्बीर गाते लेकिन गाते और बहुत अच्छा गाते हैं। खबर था असा जब तां सबनी के सीनियर्स के दिसंदा आयो गद इन ग्रुप में हां हां आई तां जी चटाबेटी मजाक मशकरी कचहरी इदो मजो इंदो आ यकीन क्यों ये लगंदो आ असा जेला असा उते बस असा उते ही हुना ही स्टक थी वे लेकिन मजो पे अच्छे यार मुझे एकड़ो शौक हुंदो ख्वाब हुंदो ते ये सीनियर्स असा उनन के दिसी सकू मिली सकू गलाए सकू अल्लाह जी मना मेहरबानी आ करम ता जड़ा सीनियर्स खूबसूरत भी सीनियर्स आपका ये शो चलता रहेगा इंशाल्लाह हम दोनों आएंगे। अरे मुके शौक ता भई गडो छ दम लडो मजो छ आप बिल्कुल जरूर आएंगे इंशाल्लाह। असा के शौक ता के सब निजामानी है फजीला जी 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 ये गड छ मजो तो छ पैर गड छ जो मजो ही पे जो सवाल जा और ना और आपके साथ ये शबीर भी सिंधी बोल लेंगे कैसा तो बोलते हैं मजो अच्छा हां तो इस तरह आई माशाल्लाह माशाल्लाह आई बल्कि उन ड्रामे में दोबारा में तहां भाई है कपल हुयो तो हाँ। दिसण में तमाम सब मजेदार असल सोच में थी ना और यार ये भाई जालिम मुझे किसकी इच्छा सोची ना होंदा की कंदा होंदा ये सोच इंडिया आसा के खबर दो इनन परेशान के और बेचारे बीमार हो गए बीमार हो गए बिलाल आपा तहां जी मेहरबानी लख एहसान ता सा ने प्रोग्राम में आया चार झंडा या छो जे ये उए गुल उए गुलदस्तन गुलदस्ते जा गुल खूबसूरत गुल हैं जे अगर हनन जी एंट्री न थे तो यकीन के होता सके ये लगंदो आ त असा ना मुकम्मल आयु सो हमेशा गुल वखेरो गुलन वांगर रहो गुलन वांगर खुशबू महसूस करायो दुआउन में सबनी के याद रखंदा कयो बेन जे वसीले सा दुआ घुरंदा आयो आपा वींदे वींदे को नंडड़ो मैसेज को दी देण चायो बस प्यार बांटे रिस्पेक्ट दे और क्या है वडे के वडो समझो नंडे के नंडो समझो तो गम जिंदगी आसान है। ये एक बेहतरीन मौका होता है शो एक बहाना है आपके साथ मेरी मुलाकात ऐसे हाँ। अभी मैं कहीं आपसे मिलूंगी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल बच्चे ठीक ये वो हम इस तरह की बात करते हैं तो यहीं बैठ के कर लेते हैं हाँ, तो जरूर हम कोई ना कोई मैसेज देते हैं इतनी देर हम यहाँ बैठे इन्होंने खाना बनाया इन्होंने बहुत सारे वो शो हुआ हमारा सारा ब्यूटी पर हुआ तो कुछ ना कुछ तो आप सब ने लर्न किया होगा ना हाँ, तो लाजमी हर तरह की चीज़ देखें और प्यार बांटें रिस्पेक्ट दें बस खत्म असल में ये एक ड्राइंग रूम है जिसमें बताते हैं इसे मजे से बातें करते हैं क्या टेंशन वाली बातें फैलाना सेगमेंट होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं तो फिर एक वो ये जरूरी चीज होती है ना देखें बातें जरूरी है हाँ डिस्कशन खाना जरूरी है ब्यूटी जरूरी है वो सारी चीजें जरूरी है एक्सरसाइज और लाजमी जिस तरह हिस्से होते हैं सुबह शाम रात इसी तरह जिंदगी भी है सो आपदा मेहरबानी ता जब ता सुठी सुठी असा डिशेस खाराइंदा आयो स्मार्ट भी रखंदा आयो कदी कदी चिटिंग भी कराइंदा आयो सो सबनी के सायरा अली खान जो अल्लाह हाफिज दुआ में याद रख जो सुभान मिलंदासी सो पाकिस्तान जिंदाबाद घटायो